चलिए अब नेक्स्ट अगर हम स्लाइड देखते हैं, जो अगर हम नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। मैं एक चीज मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि आप लोग अपनी कोई कॉपी या जो भी आपका नोटपैड होता है आप लेके साथ में बैठे, कॉपी और किताब जो है वो लेके बैठे, और साथ साथ में जो मैं हिंदी की टर्म अगर बोल रहा होता हूं तो आप वो हिंदी की टर्म भी जो होते हैं वो उसको नोट करते चले, तो ऐसा ना हो कि केवल आप सुनते रहें, साथ साथ में कॉपी और पेन भी लेके बैठें, क्योंकि अगर आप चीजों के नोट्स नहीं लेंगे हाथों हाथ, जो भी हमारे नोट्स हैं अगर आप उनको नहीं लेंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, आपको रिविजन करने में दिक्कत होगी, क्योंकि नोट्स बनाने का फायदा ये होता है कि आखिरी टाइम के अंदर में आप इतनी सारी स्लाइड्स जो होंगी उनको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे जब आपका एग्जाम का टाइम होगा, तो बेटर ये है कि जो आपके नोट्स हैं आप उन्हीं का ही उपयोग करके आप अपना रिविजन जो होगा वो सही से कर पाएंगे। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यानी कि इकोसिस्टम के जो घटक होते हैं उनके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। कल हम लोगों ने इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम की डेफिनेशन जो होती है उसके बारे में हमने देखा था, आज हम इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इकोसिस्टम के अंदर में बच्चों जनरली जो होता है इकोसिस्टम के अंदर में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक तो हम जैविक घटक के नाम से जानते हैं, एक को हम बोलते हैं जैविक घटक, एक जैविक घटक के नाम से जानते हैं हम लोग, और एक होता है अजैविक घटक। अजैविक, जैविक और अजैविक का जो अंतर होता है वो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत आसानी से मतलब निकाल सकते हैं, जिनमें जीव होता है या जिसमें जिसमें जीवन होता है वो जैविक घटक कहलाता है, और जिसमें जीवन नहीं होता वो अजैविक घटक कहलाता है। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं होता कि हमेशा वैसा ही हो, अजैविक घटक के अंदर में बहुत सारी और भी जैविक घटक के अंदर में बहुत सारी और भी ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन जैविक और अजैविक का मतलब जो होता है जो जिसका जो बायोटिक हो और जो नॉन बायोटिक हो यानी कि ए बायोटिक हो। ए बायोटिक सबसे पहला कंपोनेंट हम देख रहे हैं, अजैविक घटक। अजैविक घटक जो होता है उसको हम सबसे पहले देख रहे हैं। अजैविक घटक क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है कलर के मेरी स्लाइड्स के कलर और उसके कलर मैच कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। तो ये जो देखेंगे हम, पहला कंपोनेंट जो होता है वो एबायोटिक कंपोनेंट, जो लोग इंग्लिश के हैं। अगर हम कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो उसके घटक होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो बायोटिक होते हैं और एक एबायोटिक होते हैं। तो पहला अगर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ए बायोटिक कंपोनेंट जो होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद हम जो बायोटिक कंपोनेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ए बायोटिक और बायोटिक, ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास मिस कर रखी है वो स्लाइड्स देख लेंगे, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो वो थोड़ा सा जब मैं डाउट क्लियरिंग सेशन शुरू करूंगा तब उसके अंदर में आप पूछ लेना, लेकिन आज की क्लास में वो डाउट क्लियरिंग सेशन नहीं होगा। आप एक बार स्लाइड्स देख के, जो पुरानी स्लाइड्स हैं या जो पुराना पीडीएफ आप लोगों को मिला हुआ है पिछली क्लास का, उससे आप रेफर कर सकते हैं और किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को साथ में खोल सकते हैं। आप एनसीईआरटी की 11th या 12th क्लास के अंदर में बड़ा अच्छा इकोसिस्टम के बारे में बता रखा है, आप उसको सबसे पहले रेफर करिएगा। अगर आप कोई किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको ही रेफर करिएगा और उसके बेसिस पे कर सकते हैं आप। एक राजगोपालन की किताब आती है इकोलॉजी एनवायरनमेंट की, वो काफी अच्छी किताब है, हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम दोनों के अंदर में आती है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। चलिए, तो ए बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जो नॉन लिविंग हो और जो इनऑर्गेनिक इनटू द नेचर हो, इनऑर्गेनिक इनटू द नेचर हो, जो नॉन लिविंग हो और जो इनऑर्गेनिक इनटू द नेचर हो, यानी कि जो अकार्बनिक हो और जो जिसके अंदर में नॉन लिविंग हो यानी कि जिनमें जीवन ना हो। तो उसके अंदर में अगर हम देखें तो उसके अंदर में कई सारी चीजें जो होती हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। अगर हम देखें तो पहला जो हम ए बायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें या पहला अजैविक घटक की अगर हम बात करते हैं तो पहला अजैविक घटक जो होता है वो लाइट होता है या प्रकाश होता है। तो आपको पता ही है कि हमारे भूमंडल पर या हमारे पृथ्वी पर जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो सोलर रेडिएशन की फॉर्म में प्राप्त होता है। मींस सोलर रेडिएशन का मतलब ये होता है कि सूर्य से आने वाला विकिरण जो होता है, सूर्य से आने वाला विकिरण जो होता है उसमें कई प्रकार के विकिरण होते हैं,
जिसमें आप जानते ही हैं एक्सरेज भी होती हैं, गामा रेज भी होती हैं, अल्ट्रावायलेट भी होती हैं, और उसके अंदर में कई प्रकार का विकिरण जो होता है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नाम से हम उसको जानते हैं, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जो हमें सोलर रेडिएशन मिलता है उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमें लाइट मिलती है उसके अंदर में, अगर आप जानते ही हैं जो हमें रेडिएशन मिलता है उसके अंदर में अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट भी होता है, और ये जो अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट होता है जो लाइट के अंदर में होता है वो कई ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी हार्मफुल होता है। तो इसलिए जहां पर लाइट की मात्रा काफी ऐसी होती है जिसमें अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, या जब भूमंडल पे मिलने वाला प्रकाश जो होता है या विकिरण जो होता है उसमें अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट जो होता है उसकी मात्रा जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। आप जानते ही होंगे हमारे समताप मंडल के अंदर में ओजोन की परत होती है, और ओजोन की परत जो होती है वो सूर्य से आने वाले विकिरण का अल्ट्रावायलेट वाला भाग जो होता है उसको अवशोषित कर लेती है, इसलिए पृथ्वी तक सामान्यतः ये अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट जो होता है वो नहीं पहुंच पाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ओजोन की मात्रा कुछ स्थानों पर काफी विरल हो जाती है या काफी पतली हो जाती है, या ओजोन की परत जो होती है वो काफी पतली हो जाती है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने लगती हैं, और ये जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं वो काफी हार्मफुल होती हैं, मतलब कुछ जीवों के लिए, कई प्रकार के जीवों के लिए काफी हार्मफुल होती हैं। तो जनरली अगर हम देखेंगे तो जैसे पेड़ होते हैं उनके लिए ब्लू और रेड जो होता है स्पेक्ट्रम जो होता है वो काफी अच्छा होता है, और इसके अलावा जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं या रेडिएशन के जो स्पेक्ट्रम के में जो रेडिएशंस होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं या उनके लिए हार्मफुल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है प्रकाश से ही जो हमारे पेड़ होते हैं अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, और जिसके माध्यम से वो अपना फूड बनाते हैं। और आप जानते ही होंगे जो वनस्पति होती है वो प्राथमिक आधार होती है किसी भी इकोसिस्टम का, तो अगर वनस्पति विनाश हो जाती है तो बाकी और जो उस पर निर्भर करते हैं वो भी सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं। तो लाइट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जहां पे लाइट की मात्रा सही होती है या जहां पे रेडिएशन मिल रहा होता है वहां पे इकोसिस्टम के फलने फूलने की संभावनाएं जो होती हैं वो काफी अधिक होती हैं। अगर हम देखें समुद्र के अंदर में, अगर हम देखें तो समुद्र के अंदर में लाइट जो होता है वो काफी गहराई तक नहीं पहुंच पाता, जनरली ऊपर की परतें जो होती हैं वहीं तक ही सूर्य की प्रकाश या होता है या सूर्य का विकिरण जो होता है वो पहुंच पाता है। इसलिए महासागरों के अंदर में ऊपरी परत जो होती है उसमें काफी अच्छा जीवों का विकास होता है, पारिस्थितिक तंत्र के विकास की संभावनाएं ऊपर की परत जो होती है उसमें ज्यादा होती है, और गहराई के अंदर में अगर हम जाते हैं क्योंकि सौर विकिरण जो होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता, सोलर रेडिएशन जो होता है वो प्राप्त नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वहां पे पारिस्थितिक तंत्र के विकास होने की संभावनाएं जो होती हैं वो तुलनात्मक तौर पे कम होती है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा घटक होता है हमारा रेनफॉल का, यानी कि वर्षा। आप जानते ही हैं कि पृथ्वी पे वर्षा का होना काफी आवश्यक होता है, और क्योंकि वर्षा की वजह से ही कई प्रकार की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं वो चलती हैं, और जब वो अगर वर्षा नहीं होगी या नमी नहीं होगी तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होंगी यानी कि जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं वो नहीं पनप पाती। जैसे अगर आप देखें तो कई प्रकार की, जैसे अगर हम पेड़ों की अगर हम बात करें तो वर्षा की मात्रा अगर कम हो जाएगी या वर्षा की मात्रा काफी बिल्कुल शून्य हो जाएगी तो वहां पे होने वाली जो क्रियाएं होंगी या जैव रासायनिक क्रियाएं जो होंगी वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगी। इवन अगर हम ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म को भी, या हम किसी जीव की अगर हम बात करते हैं तो उसको भी अपनी कई प्रकार की चयापचय क्रियाओं के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए नमी की आवश्यकता होती है, तो जिसकी वजह से उसकी बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो नहीं हो सकती। अगर नमी नहीं है या जल की मात्रा नहीं है तो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होंगी वो नहीं होंगी, और जिसकी वजह से वहां पे समस्याएं जो हो सकती हैं वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो मेजोरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो टेक्स प्लेस इन एन एक्वस मीडियम। तो अगर हम देखें तो रेनफॉल भी हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करती है, इसलिए अगर आप देखेंगे जहां पे
वर्षा अधिक होती है वहां पे अलग प्रकार का इकोसिस्टम होता है, और जहां पे वर्षा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है वहां पे अलग प्रकार का इकोसिस्टम होता है। और आप जानते हैं वहां पे वनस्पतियों के प्रकार जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, और वहां पे जीवों के प्रकार जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं रेनफॉल जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पर होता है। रेनफॉल जो है वो किसी भी इकोसिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो पहला अगर हम देखें लाइट की अगर हम बात करें तो दूसरा हो गया हमारा रेनफॉल। तीसरा अगर हम देखें तो तापमान, तापमान जो होता है टेम्परेचर जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। और किस तरीके से कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं या कुछ जीव ऐसे होते हैं वो बहुत तापमान की जो काफी तीव्रता होती है या तापमान की काफी तीव्र परास जो होती है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब बहुत उच्च तापमान को भी सहन कर पाते हैं और बहुत न्यून तापमान जो होता है उसको भी सहन कर पाते हैं। इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको यूरीथर्मल कहा जाता है। यूरीथर्मल वो होते हैं जो काफी उच्च तापमान जो होता है उनको उनको सहन कर सकते हैं, और या बहुत काफी जो न्यून तापमान जो होता है उसको भी सहन कर सकते हैं। जैसे मानव की अगर हम बात करें तो मानव 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी सर्वाइव कर सकता है, और मानव जो हो सकता है वो -10, -20, -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो मानव जो है वो यूरीथर्मल की कैटेगरी में आता है। और लेकिन हालांकि अगर आप देखें तो मानव के सर्वाइव होने के लिए उसको कई सारी और अन्य चीजों की आवश्यकताएं होती हैं, और लेकिन फिर भी जो स्थल पर रहने वाले जीव होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो स्थल पर रहने वाले जीव होते हैं या जो स्थलीय जीव होते हैं या जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफी तापमान की काफी वाइड रेंज जो होती है या काफी तीव्र परास जो होती है या काफी बड़ी परास तक अपने अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं या उनको टॉलरेट कर पाते हैं। और जो जल के अंदर में रहने वाले जीव होते हैं वो ज्यादातर एक छोटी सी रेंज में ही सर्वाइव कर पाते हैं। इसलिए जलीय तापमान में जब भी परिवर्तन आते हैं तो कई प्रकार के जीव जो होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। तो जो जो बहुत ज्यादा तापमान की परास को संभाल सकते हैं उनको यूरीथर्मल के नाम से जाना जाता है, और जो कम तापमान की परास में ही जीवित रह सकते हैं उनको स्टेनोथर्मल जो होता है उसके नाम से जाना जाता है। ये दोनों पॉइंट, दोनों टर्म जो है वो आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम के अंदर में पूछ लेता है और मैचिंग के लिए पूछ लेता है, यूरीथर्मल क्या होते हैं और स्टेनोथर्मल जो होते हैं वो क्या होते हैं। जो लोग हिंदी माध्यम के छात्र हैं मैं उनसे खास रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो टर्म्स होती हैं उनको जरूर इंग्लिश में भी याद रखिए, क्योंकि कई बार जब यूपीएससी ट्रांसलेशन कर रहा होता है तो वो उनके मानक शब्दों पे ध्यान ना देकर सिंपल एक प्लेन ट्रांसलेशन कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो हमने शब्दावली आपको बताई है यूरीथर्मल या स्टेनोथर्मल की, मान लीजिए अगर हम आपको कोई शब्दावली बताते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो शब्दावली का प्रयोग जो होता है वो यूपीएससी ने नहीं किया होता। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि जो टर्म्स हैं, जितनी भी पद हैं, वो सारे के सारे आप कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही याद रखिए, क्योंकि आपको आसानी रहेगी। और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर आपको हिंदी में कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है या उसके शब्दों में आपको दिक्कत आ रही है तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लें। तो ध्यान रखना जो बिल्कुल ही हिंदी का झंडा लेके खड़े हुए हैं कि नहीं हमें हिंदी का ही चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए, उनको एग्जाम में काफी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपके अनुसार चीजों को परिवर्तित कर सकता हूँ या चीजों को बना सकता हूँ, लेकिन यूपीएससी हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट जो होती है उसको ना सुने। तो इसलिए आपको जो तैयारी करनी है वो यूपीएससी किस तरीके से है उसके हिसाब से करनी है, ना कि आप इस क्लास को किस तरीके से मोल्ड कराते हैं या इस क्लास को किस तरीके से परिवर्तित करते हैं उसके हिसाब से। तो पहला हमारा एबायोटिक कंपोनेंट जो है वो हो गया हमारा, पहला हमारा एबायोटिक हो गया लाइट के बारे में, दूसरा हो गया हमारे रेनफॉल के बारे में, और तीसरा हो गया तापमान के बारे में। चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है स्लाइड के अंदर में तो मुझसे चैट करके पूछ सकता है, अगर किसी को कोई डाउट है तो। अल्ट्रावायलेट का मतलब होता है, अल्ट्रावायलेट का मतलब होता है पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट होती है पराबैंगनी किरणें।
अल्ट्रावायलेट का मतलब होता है, स्टेनोथर्मल जो होता है, स्टेनोथर्मल एक प्रकार के जीवों को कहा जाता है, वो वनस्पति भी हो सकते हैं और पशु प्रजाति के भी हो सकते हैं, वो उस प्रकार के जीव होते हैं जो काफी तापमान की काफी कम परास तक, परास मतलब तापमान की काफी रेंज तक, मतलब रेंज के हाई या ज्यादा होने का मतलब ये होता है, रेंज के हाई या ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई जीव -10 डिग्री जो हो सकता है उस पर भी सर्वाइव कर सकता है, और कोई जीव जो हो सकता है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है उस पर भी सर्वाइव कर सकता है। तो -10 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये एक रेंज बन गई, और ये जो रेंज होती है उसी को ही हम टेम्परेचर रेंज कहते हैं या तापमान की परास कहते हैं। तो जो जितने ज्यादा तापमान की परास में सर्वाइव कर सकते हैं उनको यूरीथर्मल कहा जाता है, और जो जो कम तापमान की परास में सर्वाइव करते हैं उनको उनको सामान्यतः स्टेनोथर्मल कहा जाता है। बेटा ये डिपेंड करता है जीवों के ऊपर डिपेंड करता है। गीता कुमारी आपने पूछा है सर स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल दोनों सर्वाइव कर सकते हैं अर्थ एंड वाटर। जनरली जो पानी के अंदर में जीव मिलते हैं वो स्टेनोथर्मल होते हैं, वो ज्यादा तापमान की परास को सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन जो पृथ्वी पे मिलने वाले जो होते हैं वो उनमें स्टेनोथर्मल भी हो सकते हैं और वो यूरीथर्मल भी हो सकते हैं। तो तापीय परिवर्तन अगर बहुत ज्यादा होने लगता है तो फिर वो प्रभावित होने लगते हैं, और लेकिन फिर भी जीव जो पृथ्वी पे रहने वाले जीव जो होते हैं उनकी तापमान परास जो होती है या ताप उनको सहन करने की परास जो होती है वो तुलनात्मक तौर पर अधिक होती है। ओके, क्लियर है सबको? हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। हाँ, बैक्टीरिया और वायरसेस जो होते हैं, वायरसेस जनरली काफी हाई टेम्परेचर रेंज जो होते हैं उनको सर्वाइव कर जाते हैं। सारा मुकदमा ही इस टाइम हमारा इसी चीज को लेके चल रहा है, कोविड को लेके भी, क्योंकि ये जो होते हैं यूरीथर्मल कैटेगरी के होते हैं और ये काफी उच्च तापमान परास तक सर्वाइव कर सकते हैं, -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना वायरसेस अपने आप में एक डोरमेंट लाइफ होते हैं, वो जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर में प्रवेश करते हैं या किसी जीव के अंदर में प्रवेश करते हैं तब वो एक्टिव होते हैं, उनकी चपाचय क्रिया जो होती है स्वयं में नहीं चल रही होती, और इसलिए जब वो किसी जीव के अंदर में एंटर करते हैं तब वो एक्टिव होते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड के अंदर में डिस्कस करा आपसे, पिछली स्लाइड के अंदर में मैंने आपसे डिस्कस करा लाइट के बारे में, रेनफॉल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी उसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर ही या अजैविक घटकों के अंदर ही हम जो डिस्कस करेंगे वो चौथा कंपोनेंट है हमारा, वो है एटमोस्फियर, एटमोस्फियर वायुमंडल जो होता है। अब आप जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल होता है वो जो हमारा वायुमंडल है अगर इसको हम देखें तो हमारे वायुमंडल के अंदर में लगभग 78% तक जो होती है वो नाइट्रोजन होती है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% तक नाइट्रोजन होती है, और नाइट्रोजन का जो उद्देश्य होता है वो स्पॉन्टेनियस कम्बशन को रोकना होता है। अगर नाइट्रोजन की उपलब्धता नहीं होगी या नाइट्रोजन जो होगी वो कम होगी तो आग पर नियंत्रण रख पाना जो होगा वो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस स्वतः ज्वलन की जो प्रक्रियाएं होती हैं उन पे नियंत्रण रखती है। और तीसरा दूसरा अगर हम देखें तो हमारे वायुमंडल के अंदर में लगभग 21% जो होती है वो और ऑक्सीजन होती है, और ये ऑक्सीजन जो होती है आप जानते ही हैं हमारे रेस्पिरेशन में या हमारी श्वसन प्रक्रिया के अंदर में इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का होना आवश्यक होता है, और पृथ्वी पे किसी भी जीव के, क्योंकि हम इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो हम इकोसिस्टम जो हम बात कर रहे हैं वो पृथ्वी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर में बात कर रहे हैं, और पृथ्वी पे जो मिलने वाले जीव होते हैं और किसी और ग्रह पे अभी जीव उपस्थित हैं या नहीं है उसके बारे में तो हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर में 21% और ऑक्सीजन होती है, जिससे जो किसी भी जीवों के सर्वाइवल के लिए या उनके जीवन के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया के लिए 21% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। फिर दूसरी बात अगर हम देखें तो 78% नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन स्वतः ज्वलन की जो प्रक्रिया होती है उसको नियंत्रित करती है, और अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हमारे वायुमंडल के अंदर में 0.038% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रयोग होता है
वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के अंदर में जो वनस्पतियां होती हैं, जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनको प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर में यही प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि खाना या भोजन जो होता है प्राइमरी तौर पर या प्राथमिक तौर पर इन्हीं के द्वारा निर्मित किया जाता है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं और ये अपने कार्बोहाइड्रेट्स जो अपने प्रक्रिया के दौरान फोटोसिंथेसिस होती है, उस प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज की फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका निर्माण करते हैं। तो उनकी सिंथेसिस के लिए ये आवश्यक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते होंगे फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर में। इसी प्रकार की जो पेड़ जो होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं और जो पेड़ों के अंदर में जो कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो जाते हैं उसका उपयोग जो होते हैं अन्य जीव जो होते हैं उनको खा के करते हैं। तो एटमॉस्फेयर के अंदर में, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर में परिवर्तन आ जाएंगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी या नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम हो जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो उससे कहीं ना कहीं जो होगा वो अन्य प्रकार के जो घटक हैं या अन्य जो अवयव हैं हमारे इकोसिस्टम के वो प्रभावित होने लगेंगे। तो पहला हमने कौन सा देखा, लाइट के बारे में हमने देखा, टेम्परेचर के बारे में हमने देखा, रेनफॉल के बारे में देखा हमने और एटमॉस्फेयर के बारे में हमने देखा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं यानी कि जैविक कंपाउंड्स जो होते हैं वो भी हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं, ठीक है, हमारे इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं और इन्हीं को इनको इनको भी एबायोटिक कंपोनेंट के तौर पर देखा जाता है। किस तरीके से, जो प्रोटीन होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, ये भी एनर्जी ट्रांसफर के लिए यानी कि बॉडी, अगर हम कोई भी अगर हम चीज को खाते हैं तो जनरली या तो वो आपको प्रोटीन की फॉर्म में मिल रही होती है या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में मिल रही होती है, ठीक है, या फिर आपको लिपिड्स की फॉर्म में मिल रही होती है, वो ज्यादातर आपको इसी की फॉर्म के अंदर में मिल रही होती है। अगर आप रोटी खाते हैं तो उसके अंदर में भी कार्बोहाइड्रेट्स, या आप कोई दूध पीते हैं तो उसके अंदर में प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इनमें हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, एक्चुअली यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऊर्जा को स्टोर कर लेते हैं और जब हमारी बॉडी के अंदर में इनका इनका विघटन होता है तो उससे ऊर्जा जो होती है वो रिलीज होती है और वो ऊर्जा जो होती है वो हम अपनी बॉडी की चपाचय क्रियाएं जो होती हैं उनके अंदर में उपयोग करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जैसे कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अगर हम देखें तो वाटर हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया और वेरियस मेटल्स जो होते हैं, जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो हमारे मेटल्स होते हैं जो उनकी भी आवश्यकता होती है। आप जानते हैं हम जब विभिन्न प्रकार के विटामिन्स लेते हैं तो उनमें कई प्रकार के ऐसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कुछ ऐसे हमें मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है जो इनऑर्गेनिक इनटू द नेचर होते हैं और हमारे विकास के लिए उनकी आवश्यकता होती है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज है जो आप जानते ही हैं कि हमें अपने विकास के लिए या अपने जीवों के विकास के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के कंपाउंड्स जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। कई प्रकार के मिनरल्स जो होते हैं अगर वो आपको भोजन के अंदर में भी मिल जाते हैं, कुछ पेय पदार्थों के अंदर में भी कुछ प्रकार के भोजन जो होते हैं वो आपको मिल जाते हैं और कुछ जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जो होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो ये भी सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी कैटेगरी के अंदर में आते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्रम के अंदर में क्लास के, और मैं स्लाइड्स के जो राइटिंग मैंने की है वो मैं डिलीट कर देता हूं और आगे चलते हैं उस क्रम के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमारा आता है वो आता है हमारा जो है वो ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई के अनुसार अगर हम देखें तो ऊंचाई में किस तरीके से होता है, ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ऊंचाई में किस तरीके से होता है। अब वर्टिकल जोनेशन ऑफ द वेजिटेशन इज कॉज ड्यू टू ऑल्टीट्यूड। वर्टिकल जोनेशन मतलब ऊंचाई के अनुसार वनस्पति में जो परिवर्तन आता है। वर्टिकल मतलब ऊंचाई के अनुसार, जोनेशन मतलब जोन मतलब उनका संकेंद्रण जो होता है वनस्पति का किस प्रकार से आता है। तो जनरली अगर आप देखेंगे, मान लीजिए अगर आप माउंटेन की हाइट पे अगर आप जाते हैं तो अगर आप देखेंगे माउंटेन के जो नीचे की तरफ होंगे, हो सकता है आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो आपको प्राप्त करें। लेकिन अगर आप 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो अलग प्रकार के वन जो हो सकते हैं वो आपको मिल सकते हैं। अगर आप 3000-4000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो अलग प्रकार के वन जो हो सकते हैं वो आपको मिल सकते हैं। और आप बहुत ऊंचाई के अंदर में जाते हैं, 5000 या 6000 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं
तो आपको अलग प्रकार के वन जो हो सकते हैं वो मिल सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं कि आपको वन मिले ही, कई बार ऐसा होता है बहुत ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो काफी कम हो जाती है और वहां पे किसी प्रकार के जीवों का विकास जो होता है वो संभव नहीं हो पाता। तो मैंने आपसे कहा ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई के अनुसार, तो जो स्थान समुद्र स्तर से, हम ऊंचाई का मापन किससे करते हैं, समुद्र स्तर से, जिसको हम बोलते हैं मीन सी लेवल या औसतन समुद्रीय स्तर जो होता है उसके आधार पर करते हैं। तो कोई भी स्थान मीन सी लेवल यानी कि औसत समुद्र स्तर से कितनी ऊंचाई पर है उसके आधार पर हम ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई का मापन करते हैं। तो ऊंचाई के अनुसार जो होता है कई प्रकार की चीजें बदल जाती हैं और उनके बदलने की वजह से कई प्रकार की वनस्पति जो होती है उनमें भी परिवर्तन आ जाते हैं और वनस्पतियों में परिवर्तन, और वनस्पतियों में जब परिवर्तन आते हैं तो इकोसिस्टम्स जो होते हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चेंजेस इन टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड इज अ लिमिटिंग फैक्टर। अब अगर आप देखेंगे तो तापमान जो होता है ऊंचाई के साथ साथ परिवर्तित हो जाता है। अगर आपको याद हो आपने ज्योग्राफी की क्लास के अंदर में पढ़ा होगा एक सामान्य ह्रास दर यानी कि जिसको हम नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको सामान्य ह्रास दर, नॉर्मल लैप्स रेट जो होता है वो उसका मतलब होता है 6.5 डिग्री प्रति किलोमीटर, यानी कि अगर आप 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन आ जाता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि चेंज इन टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड, अगर तापमान के अनुसार चेंज इन टेम्परेचर विद ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई के अनुसार तापमान में परिवर्तन आना। अब मान लीजिए सपोज करिए कि आप मसूरी जाना चाहते हैं और मसूरी का तापमान की गणना करना चाहते हैं, मसूरी हमने कहा कि यहां पर है और आप नीचे यहां पर कहीं पर हैं, आप मेरठ पे या आप कहीं पर हैं, यहां पर है। अब मसूरी की जो ऊंचाई है सपोज करिए कि 2000 मीटर की ऊंचाई है, अगर हम देखें 6000 फीट होती है तो उसको हम 2000 मीटर बोल रहे हैं, तो 2000 मीटर की ऊंचाई पर है और यहां पे नीचे की तरफ जो तापमान है सपोज करिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पे नीचे की तरफ तापमान है। अब अगर हम 2 किलोमीटर ऊंचाई पे अगर हम 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं क्योंकि यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो 2 किलोमीटर की है और 1 किलोमीटर पर कितने का परिवर्तन आता है, 6.5 डिग्री का परिवर्तन आता है। तो 6.5 डिग्री का परिवर्तन आता है तो 2 किलोमीटर पर कितने का परिवर्तन आ जाएगा, 13 डिग्री का परिवर्तन आ जाएगा। तो 30 में से अगर हम 13 डिग्री माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो तापमान होगा वो कितना होगा, 17 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा। तो ऊंचाई के साथ साथ जो होता है वो एक तापमान जो होता है उसमें भी परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक है। और इसलिए कुछ जो चीजें होती हैं, कुछ जो जीव होते हैं उनके लिए तापमान जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे कार्य करता है। अब एक होता है बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, ठीक है, मींस जनरली क्या होता है, बफरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि संतुलन की, जिसको हम कहते हैं एक न्यूट्रल पीएच जो होता है, जनरली जो सॉइल जो होती है उसके अंदर में एक न्यूट्रल पीएच जो होता है वो मेंटेन होता है, और या वाटर बॉडीज जो होती हैं जितनी भी हमारी जलीय जीव जलीय जितने भी होते हैं उनके अंदर में सामान्यतः, और ऐसा भी होता है कि उनमें परिवर्तन भी हो सकते हैं, तो उसमें एक न्यूट्रल पीएच होता है और जो न्यूट्रल पीएच जो होती है वो जो न्यूट्रल पीएच का मतलब होता है कि पीएच का जब मान 7 के आसपास होता है, आप जानते ही होंगे पीएच का मान जब होता है वो 7 से ऊपर चला जाता है, पीएच का मान जब 7 से ऊपर चला जाता है तो वो बेसिक की कैटेगरी के अंदर में आ जाता है और जब पीएच का मान 7 से नीचे चला जाता है वो एसिडिक की कैटेगरी में आता है। तो जनरली जो ऑर्गेनिजम्स होता है या जो जीव होते हैं उनके जीवन के लिए या उनके सस्टेनेंस के लिए जनरली जब पीएच जो होती है, ज्यादातर जीवों के लिए जब पीएच जो होती है वो 7 होती है तो उनके सर्वाइवल के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सैलिनिटी की अगर हम बात करें, सैलिनिटी का मतलब लवणता से होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा हाई सैलिनिटी यानी कि उच्च लवणता वाले स्थिति जो होती है उसको उसमें सर्वाइव कर सकते हैं या उसमें उसमें जीवित रह सकते हैं। इस प्रकार के जो जीव होते हैं उनको यूरी हेलाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कम सैलिनिटीज जो होती हैं उनमें सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि बहुत
ज्यादा अगर सैलिनिटी में वेरिएशन आएंगे या लवणता में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएंगे तो मींस उसके अंदर में उनमें परिवर्तन आ सकते हैं या उस ऐसी कंडीशंस के अंदर में वो हो सकता है वो जीवित ना रहे। ठीक है, तो मींस जो है अगर हम देखें इसके अंदर में तो अगर हम इस चीज को देखें तो जो हमारे ये थोड़ा सा मेरा ये जो नीचे की लाइन है ये दोबारा से आ गई है यहाँ पे, तो इसको अवॉइड कर दीजिएगा और इस चीज को। तो सेलिनिटीज जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के तौर पर है और कुछ जीव जो होते हैं वो ज्यादा सेलिनिटी में सर्वाइव कर सकते हैं और कुछ जीव जो हो सकते हैं वो कम सेलिनिटीज जो होती हैं या कम लवणता जो होती है उसके अंदर में सर्वाइव करते हैं या कम लवणता की कम परास के अंदर में वो सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऐसे प्रकार के जीवों को स्टेनोहेलाइन के नाम से जाना जाता है या जो उच्च लवणता के अंदर में सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे प्रकार के जीवों को यूरीहेलाइन जो होता है उसके नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में हम लोग आते हैं और नेक्स्ट फैक्टर जो अगर हम देखें तो नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा वो है लाइट का। हमने पीछे भी डिस्कस करा था इस लाइट के बारे में और लाइट के अंदर में अगर बहुत ज्यादा इंटेंसिटी जो होती है लाइट की अगर एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी होती है ठीक है तो उससे रूट जो होती है उसकी फॉर्मेशन जो होती है यानी कि जड़ जो होती है उनकी फॉर्मेशन जो होती है या जो रूट्स होती हैं एक्सट्रीमली हाई इंटेंसिटी फेवर्स रूट ग्रोथ देन शूट ग्रोथ विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ट्रांसपायरेशन ओके शॉर्ट स्टेम और स्मॉल थिक लीफ। अगर अगर बहुत ज्यादा प्रकाश होता है तो उससे जड़ें तो अच्छी होती हैं, जड़ जो होती हैं उनका 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 ग्रोथ जो होती है वो अच्छी होती है जड़ जो होती है, लेकिन जो ऊपर का भाग जो होता है उसके अंदर में जो शूट होती है वो ऊपर का भाग जो होता है उसका विकास ढंग से नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से स्टेम्स जो होती हैं वो छोटी रह जाती हैं और लीव्स जो होती हैं पत्तियां जो होती हैं वो छोटी रह जाती हैं और पतली पत्तियां जो होती हैं वो रह जाती हैं। अगर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो होती है वो कम होती है, अगर काफी कम होती है तो उससे पेड़ों का या जो वृक्ष होते हैं या पेड़ जो होते हैं उनकी ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से उनमें फ्लावरिंग जो होता है यानी कि पुष्पीकरण जो होता है वो भी कम हो जाता है और पुष्पीकरण कम होता है तो फल का निर्माण जो होता है वो भी फल होने की संभावनाएं जो होती हैं वो भी कम हो जाती है। जब इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो होती है वो एक मिनिमम से कम होती है मतलब एक औसतन मात्रा से कम होती है तो प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करना बंद हो जाते हैं। आप जानते हैं अगर किसी भी प्लांट्स को अगर रोशनी नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा और जाहिर सी बात है ऐसी परिस्थिति के अंदर में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से लेता है वो उसमें एक्यूमुलेट होने लगेगी और उसको कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग कहा जाएगा और वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगी उसमें बहुत ज्यादा इकट्ठी होने लगेगी क्योंकि रोशनी से ही वो उस कार्बन डाइऑक्साइड से आगे चल के अपने भोजन का निर्माण करता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करता है और अल्टीमेटली वो प्लांट जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। तो अगर हम अपने स्पेक्ट्रम यानी कि सूर्य से मिलने वाला जो प्रकाश होता है अगर हम उसकी बात करें सूर्य से मिलने वाला प्रकाश जो होता है अगर हम उसकी बात करें तो उस स्पेक्ट्रम का केवल आप जानते हैं जो हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम होता है या जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है उसकी उसके अंदर में कई सारे हमारे घटक पाए जाते हैं और जिसको हम विब्ग्योर के नाम से जानते हैं। विब्ग्योर जो होता है उसके नाम से हम लोग जानते हैं। विब्ग्योर क्या होता है तो विब्ग्योर का मतलब पहला वॉयलेट हो गया, फिर उसके बाद इंडिगो हो गया, फिर ब्लू हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर येलो हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर रेड हो गया। तो जो रेड वाला प्रकाश होता है रेड वाला भाग जो होता है हमारे स्पेक्ट्रम का और ब्लू वाला भाग जो होता है वो ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रभावशाली होता है। तो जो प्लांट्स जो होते हैं ब्लू लाइट में यानी कि नीली रोशनी नीली प्रकाश के अंदर में यानी कि होते हैं वो स्मॉल होते हैं, रेड लाइट के अंदर में होने वाले जो होते हैं उनके सेल्स जो होते हैं वो काफी इलोंगेटेड हो जाते हैं, काफी चौड़े हो जाते हैं, काफी
बड़े हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार का आप प्रभाव के तौर पर डाल सकते हैं, इसकी साइंस में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा, इसकी साइंस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स साइंस है। आप बस इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, तो एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर में जो होता है वो एबायोटिक कंपोनेंट में लाइट जो होती है वो भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है। जो प्लांट्स होते हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर में या वायलेट लाइट जो होती है अगर उसके अंदर में प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो बौने हो जाते हैं या ड्वार्फ हो जाते हैं। तो अगर जिन प्लांट्स का विकास अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर में या पराबैंगनी किरणों के अंदर में किया जाता है या वायलेट लाइट के अंदर में होता है, तो ऐसे प्रकार ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो बौने हो जाते हैं। तो एक तरीके से देखो, मेरा जो मतलब है इसमें इसमें बहुत सारी प्लांट बायोलॉजी जो है वो काफी इन्वॉल्व होती है, लेकिन मेरा जो आपको इकोसिस्टम में पढ़ाने का उद्देश्य है वो यही है कि आप जितने भी अजैविक घटक होते हैं उनको आप समझने का प्रयास करें कि इकोसिस्टम के अंदर में कई प्रकार के जैविक घटक भी होते हैं और कई प्रकार के अजैविक घटक भी होते हैं। तो जो और क्योंकि जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जीव भी आते हैं और जो उसका पर्यावरण होता है या जो उसका एनवायरमेंट होता है और उसका इंटरेक्शन है कि जीवों का अपने पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन जो होता है वो हम देखते हैं। इसलिए हम पर्यावरण की जब हम बात करते हैं या हम पूरे जब इकोसिस्टम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर में इकोसिस्टम के अंदर में अल्टीमेटली किस प्रकार के घटक हैं, कौन कौन सी चीजें उपस्थित होती हैं और किस प्रकार का वो इंटरेक्शन, किन किन कारणों से वो प्रभावित होता है, किस प्रकार से वो प्रभावित होता है, उन सबको हमें देखना है। तो अगर हम देखें तो लाइट जो होती है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे होता है। चलिए अब इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, लाइट जो होती है किसी भी जीव के विकास के लिए कई प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम देखें तो उसके उस जीव के विकास के लिए रेनफॉल की भी आवश्यकता है, उस जीव के विकास के लिए लाइट की भी आवश्यकता है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारक जो होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर बन जाते हैं, यानी कि कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उसके सीमांत कारक के तौर पे बन जाते हैं। सीमांत कारक का मतलब उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति से उस कारक के विकास जो होता है वो काफी हद तक प्रभावित होता है। तो जैसे सपोज करिए कि अगर हम वर्षा वनों की अगर हम बात करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं या वर्षा वनों की अगर हम बात करते हैं, तो वर्षा वन जो होते हैं अगर आप वहां पे देखेंगे तो वर्षा वन के अंदर में जनरली हम उत्पादकता की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वैसे तो वर्षा वन के बारे में सामान्यता हम ये जानते हैं, जनरली हम लोग ये जानते हैं वर्षा वनों के बारे में कि वर्षा वनों के अंदर में जो वनस्पति की सघनता होती है या डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट जो होता है या वेजिटेशन जो होता है वो कंपैरेटिवली काफी अच्छा होता है, काफी ज्यादा होता है और सघन वनस्पति होती है। लेकिन यहाँ पे एक और कमी भी होती है कि जब सघन वनस्पति होती है तो अगर कोई भी जो नीचे की मृदा जो होती है, क्योंकि तो वर्षा की मात्रा जो होती है वो काफी अधिक होती है इस यहाँ पे, अगर आप देखें वनस्पति काफी सघन होती है और प्रकाश जो होता है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता, यानी कि नीचे तक धरातल तक प्रकाश जो होता है वो नहीं पहुंच पाता क्योंकि तो वनस्पति जो होती है वो काफी सघन होती है। तो जिसकी वजह से होता क्या है कि प्रकाश का जो पत्तियां होती हैं, जो पेड़ों से पत्तियां टूट के गिरती हैं, उनका प्रॉपर विघटन नहीं हो पाता क्योंकि प्रकाश की भी आवश्यकता होती है उनके विघटन के लिए और नमी के साथ साथ प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, तो वो विघटन नहीं हो पाता। दूसरा अगर हम देखें कि अगर कोई सीड या छोटा प्लांट जो होता है उसका सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते, उनका सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाता, यानी कि उनका अंकुरीकरण नहीं हो पाता। कारण ये होता है कि उन यहाँ पे जो मृदा होती है उसमें यहाँ पे मृदा, क्योंकि यहाँ पे वर्षा काफी अधिक होती है तो वर्षा से बहता हुआ जल जो होता है, जो भी पोषक तत्व होते हैं मृदा के, उनको अपने साथ बहा के ले जाता है, तो जिसकी वजह से मृदा में पोषक तत्व जो होते हैं उनकी मात्रा जो होती है वो कम होती है। इसलिए बीजों के जर्मिनेशन के लिए या बीजों के अंकुरीकरण के लिए जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती। इसलिए अगर एक बार अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है वर्षा वनों का काट के अलग कर देते हैं तो उस एरिया को ग्रो होने में कई वर्ष लग जाते हैं, क्योंकि वहां की मृदा की प्रकृति जो होती है वो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है वो कम होती है। और उसका मुख्य कारण यही होता है कि वहां पे सूर्य का प्रकाश जो होता है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाता, सघन वनस्पति होने के कारण सूर्य का प्रकाश जो होता है वो अवरोधित हो जाता है। इसलिए अगर कोई बीज जो होता है वो अंकुरित हो भी जाता है तो उसको विकसित होने में कई बार समय लग जाता है,
लेकिन एक बार जब वो विकसित हो जाता है, उसकी जड़ें गहराई तक पहुंच जाती हैं और गहराई में उपस्थित पोषक तत्व जो होते हैं उसको लेने लगती हैं, तो वो फिर वो तेजी से ऊपर की ओर उसका विकास होने लगता है। तो लाइट जो होती है यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर, मतलब एक सीमांत कारक के तौर पे देखी जाती है, यानी कि वहां पे विकास को निर्धारित करती है, यानी कि आप वहां पे उस उन चीजों वहां पे जीवों का विकास होगा या नहीं होगा, वनस्पति का विकास होगा या नहीं होगा, लाइट जो होगी वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर उनके विकास को निर्धारण करती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, लाइट एक इम्पॉर्टेंट है। और जो अभिषेक तिवारी आपने कहा है मृदा अपरदन जो है वो मतलब मृदा अपरदन का मतलब यही होता है कि जब पानी बहता है मृदा के ऊपर से, तो वो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर की परत जो होती है मृदा को अपने साथ बहा के ले जाता है, और जिसको हम अपरदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलते हैं, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो लाइट का हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एबायोटिक, ध्यान रखिएगा अभी भी हम अजैविक घटकों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अजैविक जिनमें जो अजीव हैं, मतलब जिनमें जीवन नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, वो है फ्रॉस्ट। कई बार ऐसा होता है बच्चों, जो सॉइल का मॉइस्चर जो होता है, आप जानते हैं जो मृदा होती है, मृदा हमारी पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जो होती है उसके अंदर में पोषक तत्व जो होते हैं वो पाए जाते हैं, और उसको हम मृदा के नाम से जानते हैं। इसके अंदर में नमी भी होती है, मॉइस्चर भी होता है, और कुछ जगहों पे ज्यादा मॉइस्चर होता है, कुछ जगहों पे कम होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों के अंदर में रात्रि का तापमान जो होता है वो काफी कम हो जाता है, यानी कि रात के समय तापमान जो होता है वो काफी कम हो जाता है, या ऋतुओं में परिवर्तन के अनुसार जो होता है, या सर्दियों के मौसम में, शीत ऋतु के मौसम में तापमान जो होता है वो काफी कम हो जाता है, तो उसमें उपस्थित मॉइस्चर जो होता है वो काफी जमने लगता है या वो फ्रीज होने लगता है। तो ये फ्रीजिंग को ही हम फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं, उसको हम फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। अब मतलब जिसको हम तुषार जो होता है वो भी वर्ड यूज करते हैं, फ्रॉस्ट जो होता है, कई बार पत्तियों के अंदर में भी फ्रॉस्ट लग जाता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर की जो नमी होती है वो जम जाती है, और कई बार जब हम बहुत ठंडे प्रदेशों के अंदर में जाते हैं तो हमें तुषार आघात यानी कि फ्रॉस्ट बाइट जो होती है वो भी हो जाती है, क्योंकि हमारी शरीर के अंदर की जो नमी होती है वो जम जाती है, या उसके अंदर का जो जल होता है वो जम जाता है, नमी जो होती है, और उसकी वजह से वो फ्रीज हो जाती है, तो उसको हम फ्रॉस्ट बाइट के नाम से जाते हैं। लद्दाख में अगर आप जाते हैं, लद्दाख मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा भारत के अंदर में है, और लद्दाख के अंदर में आप जानते हैं जाते हैं तो लद्दाख का तापमान जो होता है वहां पे बहुत फ्रीजिंग विंड्स चलती हैं, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, और खास तौर से सर्दियों के मौसम में, लेकिन ठंडी हवाओं के साथ साथ वहां पे वायु काफी विरल होती है, और वायु विरल होने के साथ साथ वायु विरल होने की वजह से वहां पे रेडिएशन जो होता है, सूर्य से आने वाला विकिरण जो होता है वो भी काफी तीव्र मात्रा में पहुंच जाता है, काफी तीव्र मात्रा में सूर्य से आने वाला विकिरण जो होता है वो पहुंच जाता है, और लेकिन वहां पे फ्रीजिंग विंड्स जो होती हैं वो भी चलती है। तो ये एक ऐसी जगह है जहां पे आपको तीव्र विकिरण के कारण या तीव्र सोलर रेडिएशन के कारण तुषार आघात भी हो सकता है, सॉरी सन स्ट्रोक भी हो सकता है, और फ्रीजिंग विंड के कारण आपको तुषार आघात मतलब फ्रॉस्ट बाइट जो हो सकती है वो भी हो सकती है। मान लीजिए किसी पेड़ के आप अपने पैरों को अगर किसी पेड़ के नीचे रख के और अपना बाकी भाग जो होता है वो सूर्य के अंदर में यानी कि रोशनी में ले लेते हैं, तो हो सकता है आपके पैरों के अंदर में तुषार आघात हो जाए और आपके चेहरे पे सन स्ट्रोक जो होता है वो आपको फील होना। तो वहां पे लद्दाख के अंदर में विशेषता, और भी जगहों में इस प्रकार की विशेषता मिलती है, क्योंकि लद्दाख एक प्रकार का हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट है, यानी कि ऊंचाई पे पाया जाने वाला ठंडा रेगिस्तान है या ठंडा मरुस्थल है। अब ये देखिए कंपैरिजन करें, सन स्ट्रोक्स जो हो सकते हैं, अगर आपका बहुत तगड़ा आपको सन स्ट्रोक लग गया तो मृत्यु भी हो सकती है। सूरज ठाकुर आपने क्वेश्चन पूछा कि सन स्ट्रोक ज्यादा खतरनाक है और फ्रॉस्ट
क्योंकि फ्रॉस्ट अगर आपके एक पर्टिकुलर भाग के अंदर में हुआ है तो उसका ये हो सकता है कि आपका जीवन ना जाए उससे, आपका उतने भाग व्यक्ति के उतने भाग को काट के अलग करना पड़े। वो डिपेंड करता है फ्रॉस्ट की क्वालिटी किस तरीके की है, कितना स्ट्रॉन्ग फ्रॉस्ट हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है परमानेंट परिवर्तन हो जाते हैं और अगर आप दोबारा से उसको लेके भी आते हैं, आप इसको इस तरीके से समझो सूरज ठाकुर, आप एक काम करना कि टमाटर को फ्रीजर के अंदर में, फ्रिज के अंदर में जिसमें बर्फ जमती है ना उसके अंदर में, फ्रीजर के अंदर में तुम रख देना टमाटर को, और जब आप देखोगे टमाटर बिल्कुल पत्थर हो गया है, एक रात रख देना, सुबह देखना टमाटर बिल्कुल पत्थर की तरीके से हो जाएगा। अब उसी टमाटर को तुम पानी के अंदर में रख देना, ठीक है, तो क्या पानी में रखने के बाद टमाटर अपने पुराने रूप के अंदर में आ जाता है या नहीं आ जाता, आप इस चीज को देखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम फल जो होते हैं उनको फ्रिज के अंदर में रख देते हैं, और फल जो होते हैं सर्दियों के मौसम के अंदर में फलों को फ्रिज के अंदर में रख देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो फल जो होता है वो जम जाता है। आप ये सोचते हैं कि थोड़ी देर चलो हवा में रख दो, है ना, तो आप ये सोचते हैं कि आप थोड़ी देर चलो हवा के अंदर में रख देते हैं या सूरज की मतलब गर्मी में रख देते हैं वो सही हो जाएगा, तो कई बार आप देखते हैं वो जो सेब होगा या जो भी आपका फल होगा वो पूरी तरीके से खराब हो चुका होगा, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, फ्रॉस्ट बाइट्स जो होती हैं वो भी खतरनाक होती हैं, और जो सन स्ट्रोक जो होता है वो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका किस लेवल के अंदर में कहाँ पर सन स्ट्रोक। कई बार आपका होता है कि सन बर्न हो जाता है केवल, तो चेहरे के अंदर, चेहरे पे आपके सन बर्न जो होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क जो होता है वो या ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो उससे अफेक्टेड हो जाता है, तो फिर वो काफी फैटल हो सकता है, वो काफी नुकसान मतलब काफी खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर इतना सन स्ट्रोक अगर हम देखें, ज्यादातर सनबर्न्स जो होते हैं वो लोगों को हो जाते हैं, इसलिए जो लोग लद्दाख में जाते हैं ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर में जाते हैं तो साथ साथ में सनस्क्रीन जो होते हैं उनको भी साथ में लेके जाते हैं, चेहरे पे लगा के रखते हैं ताकि किसी प्रकार का सनबर्न जो होता है वो ना फील करे, क्योंकि सनबर्न जो होते हैं आगे चल के काफी प्रॉब्लम्स भी कर जाते हैं, ठीक है, और परमानेंट चेहरे पे कई प्रकार के निशान जो होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है सूरज। ओके नाउ कम टू द टॉपिक, दोबारा से लौट के हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैं आपसे साथ डिस्कस कर रहा था तुषार का, तो जो मृदा के अंदर में मॉइस्चर होता है, जो मृदा के अंदर में पाया जाने वाला मॉइस्चर जो होता है वो काफी कई बार ऐसा होता है जम जाता है, और उसके जमने की वजह से फ्रॉस्ट, वो जो जमना होता है मॉइस्चर का उसी को हम फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे चैट में रिक्वेस्ट भेजी है कि सर मीटिंग को ओपन कर दीजिए, मीटिंग अनलॉक कर दीजिए। मैं अब इसको एक बार लॉक होने के बाद ये इसमें सिस्टम नहीं है कि मैं उसको अनलॉक कर दूं, ठीक है, तो मैं अब वो पार्टिसिपेंट्स जो हैं जो लेट हैं वो बाहर ही रहेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर में वो टाइम पे आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने 15 मिनट का टाइम जो था वो इसी वजह से दिया था कि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको कोई किसी का नेटवर्क नहीं मिल रहा है या किसी का कोई और इश्यू होता है या घर के अंदर में जगह नहीं मिल पा रही है बैठने के लिए, तो मतलब मैंने इसी वजह से 15 मिनट का एक टाइम दिया था, और आप अपने आप को उस हिसाब से प्लान करिए क्योंकि इसको अब अनलॉक करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी इसके अंदर। ओके, तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं, और हाँ तो फ्रॉस्ट क्या हो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो प्लांट्स नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो प्लांट्स आर किल्ड ड्यू टू द इंक्रीज ट्रांसपायरेशन व्हेन देयर रूट्स आर अनेबल टू सप्लाई मॉइस्चर। तो अब होता क्या है कि कई बार जो हमारे वनस्पति होती है, जो प्लांट्स होते हैं अगर हम देखें तो उनकी जो रूट्स होती हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं अगर हम देखें तो वो सॉइल से मॉइस्चर रहते हैं लेते हैं। बच्चों एक चीज, एक टर्म मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आगे भी मैं समझाऊंगा इस टर्म को, और क्लाइमेटोलॉजी के अंदर में भी मैं इस चीज को समझाता हूँ, एवेपोट्रांसपायरेशन। कभी आपने सोचा है कि हमारे वायुमंडल के अंदर में, हमारे वायुमंडल के अंदर में जो भी हमें मॉइस्चर मिलता है, जो भी हमें मॉइस्चर मिलता है हमारे वायुमंडल के अंदर में, आप जानते हैं हमारे वायुमंडल के अंदर में जो मॉइस्चर है उसकी मात्रा अगर आप देखेंगे तो वो जितने भी हमारे महासागर हैं उससे बहुत ज्यादा है।
मतलब अगर हम टोटल मॉइस्चर को अगर हम काउंट करेंगे तो हमारे वायुमंडल में उपस्थित जो मॉइस्चर है उसकी मात्रा जो है वो काफी ज्यादा है। तो इवेपोट्रांसपायरेशन, जिसको हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, हमारे वायुमंडल के अंदर में जो वाटर होता है ये पृथ्वी है, और आप इस चीज को जानते ही हैं कि जो भी कुछ हमारे वायुमंडल के अंदर में है, जो भी कुछ हमारे वायुमंडल के अंदर में पाया जाता है वो पृथ्वी से ही जाता है, जो भी कुछ है, जो भी हमारे वायुमंडल के अंदर में, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण जो हुआ है वो पृथ्वी के घटकों से ही हुआ है। और ध्यान रखने की बात है कि जितने भी ज्यादातर जो प्लैनेट्स होते हैं उनके जो प्लैनेट जो वायुमंडल होता है वो उसका संबंध जो होता है उस प्लैनेट से ही होता है, यानी कि उसके अंदर में उपस्थित घटक जो होते हैं वो उस प्लैनेट के ही घटक होते हैं। तो हमारे वायुमंडल के अंदर में आप जानते हैं वाटर को हम H2O के नाम से लिखते हैं, H2O। तो हमारे वायुमंडल में मिलने वाला जो मॉइस्चर होता है या जलवाष्प जो होती है कहाँ से आती है। अब होता क्या है, जो पेड़ होते हैं उन पेड़ जो होते हैं या जो हमारे वृक्ष होते हैं या जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल से मॉइस्चर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सॉइल से जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के माध्यम से अपनी जड़ों से, और वो पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियों से वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन होता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। और इवेपोरेशन और दूसरा प्रोसेस होता है जो हमारे जलीय क्षेत्र होते हैं, जो भी हमारे जलीय क्षेत्र होते हैं वहां से जो वाटर बॉडीज जितनी भी होते हैं वहां से भी जल जो होता है वो इवेपोरेट होकर चला जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको इवेपोट्रांसपायरेशन कहा जाता है, उसको इवेपोट्रांसपायरेशन कहा जाता है। तो हमारी पूरे वायुमंडल के अंदर में जो जलवाष्प की मात्रा होती है या जल की उपस्थिति होती है वो केवल इसी प्रोसेस के थ्रू होती है, और इसको आप ये कह सकते हैं इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन। मतलब क्या कह सकते हैं, इवेपोट्रांसपायरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हमारे वायुमंडल के अंदर में जलवाष्प जो होती है वो पहुंचती है, तो रिजल्टिंग इनटू द फ्रीजिंग। तो जब होता क्या है कि अगर फ्रॉस्ट हो जाता है, अगर मॉइस्चर जो होता है वो जमने लगता है तो रूट्स जो होती हैं वो एक तापमान के अंदर ही पानी को अवशोषित कर सकती हैं, और अगर वो पानी जम जाता है तो उसको हम अवशोषित नहीं कर पाते, रूट्स जो होती हैं वो उनको अवशोषित नहीं कर पाती, लेकिन ट्रांसपायरेशन जो होता है वो चलता रहता है। तो जिसकी वजह से जो ऊपर का भाग होता है पेड़ों का जो ऊपर का भाग होता है वो सूखने लगता है, या पेड़ जो होता है वो सूखने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि रूट्स जो होती हैं वो नमी को सप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप देखते हैं सर्दियों के अंदर में कई बार ऐसा होता है जब बहुत ज्यादा तापमान गिर जाता है तो जो पेड़ होते हैं अगर आप देखेंगे तो वो छोटे छोटे घर के अंदर में, जैसे तुलसी का पौधा लगा रखा है या और भी आपने घर में पौधे लगा रखे हैं, तो अगर आप देखते हैं उन पे प्रभाव पड़ने लगता है और कहीं ना कहीं वो सूखने से लगते हैं, तो इसलिए और वो मरने लगते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। तो वाटर इन दी इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द प्लांट्स गेट फ्रोजन इनटू आइस। इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ द प्लांट्स के अंदर में सेल्स होते हैं और उन सेल्स के बीच में जगह होती है, उन जगहों के अंदर में मॉइस्चर होता है और वो एक आइस के रूप में परिवर्तित होने लगता है, फ्रोज होने लगते हैं, और जिसकी वजह से जो सॉल्ट्स जो होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स जो होती है यानी कि लवण की मात्रा जो होती है वो बढ़ने लगती है, और सेल्स जो होते हैं उनका डिहाइड्रेशन होने लगता है, सेल्स का डिहाइड्रेशन होने लगता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि पानी का उत्सर्जन होने लगता है और सेल्स जो होते हैं वो पानी को छोड़ने लगते हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए कि अगर मैं एक सिंपल आपसे प्रश्न पूछता हूं किस तरीके से, ये एक इसमें एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। जैसे कई बार जो लोग समुद्र की यात्रा कर रहे होते हैं तो कई बार उनको एक सलाह दी जाती है कि अगर भगवान ना करे अगर कोई दुर्घटना होती है, अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है तो आप कोशिश करें कि समुद्र का जल जो होता है उसको ना पिए। कारण क्या होगा कि जो अगर आप समुद्र का जल पी अगर आप नहीं पीते हैं जल को तो आप 2 दिन तक जिंदा या 24 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं, और अगर आपने समुद्र के जल को पी लिया तो आप हो सकता है 2 घंटे के अंदर ही समाप्त हो जाएंगे, व्यक्ति जो होगा वो 2 घंटे के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, कारण क्या होगा, समुद्र का जल की सैलिनिटी जो होती है उसमें लवण की मात्रा काफी अधिक होती है, लेकिन जब आप जल को ले लेते हैं
तो जल आपकी बॉडी के अंदर में जाता है और उसके अंदर में कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स जो होती है वो वेरी कर जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स जो होती है यानी कि सेल के बाहर और सेल के अंदर जो होती है कंसंट्रेशन ऑफ जो सॉल्ट्स होती है वो वेरी कर जाती है, और जिसकी वजह से ऑस्मोसिस का प्रक्रिया जो होती है मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है वो शुरू हो जाता है, और सेल्स के अंदर में जो पानी होता है वो बाहर की ओर स्टमक में जाके इकट्ठा होने लगता है, और जब वो स्टमक में जाके इकट्ठा होने लगता है तो व्यक्ति को क्या होने लगती है, पानी अगर पेट के अंदर में भर जाएगा तो पानी क्या करेगा, मुंह से ऊपर की ओर आएगा, और जिसकी वजह से उसे बार 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 वोमिटिंग होने लगेगी, और जब वो वोमिटिंग होने लगेगी तो जाहिर सी बात है जितना भी उसके शरीर का जल होगा वो वोमिटिंग के माध्यम से बाहर की ओर आ जाएगा और उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और व्यक्ति डिहाइड्रेशन होकर ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये डिहाइड्रेशन और भी हो सकता है, मतलब व्यक्ति को लूज मोशन भी लग सकते हैं, और भी समस्या हो सकती है। वैसे भी जो ओशंस होते हैं उसमें कई प्रकार के माइक्रोब्स भी होते हैं, सूक्ष्म विषाणु और बैक्टीरिया और वायरसेस भी हो सकते हैं, इसलिए वैसे भी वो समुद्र का पानी जो होता है वो पीने योग्य नहीं होता। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट अगर हम देखें, जो फ्रॉस्ट होता है तुषार होता है मींस उसकी वजह से जो मींस उनमें कई प्रकार के कैंकर्स भी हो जाते हैं, ये एक प्रकार की बीमारी होती है जो फंजाई बैक्टीरियाज या वायरसेस जो होते हैं उससे होती है, तो कैंकर्स एक प्रकार की डिजीज होती है प्लांट्स की, वो जिसमें जो फंजाई के कारण या बैक्टीरिया के कारण या वायरसेस के कारण विकसित हो जाती है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट जो एबायोटिक कंपोनेंट होता है हमारा, अगर हम दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है स्नो। स्नो की अगर हम बात करते हैं तो स्नो जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट है। स्नो एक्ट एज अ ब्लैंकेट, मतलब एक चादर की तरीके से जो बर्फ होती है वो एक चादर की तरीके से कार्य करती है, और जो जिसकी वजह से मींस जब किसी भी जगह पे मतलब किसी भी स्थल पर किसी भी जगह पे अगर मान लीजिए स्नो जो होती है वो एकत्रित हो जाती है या जम जाती है किसी भी स्थान पर, तो वो उस क्योंकि आप जानते हैं कि जो स्नो होती है या जो बर्फ होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर होती है, तो अगर होता क्या है कि जब किसी जगह पे अगर बर्फ जमा हो जाती है तो वो टेम्परेचर के फर्दर ड्रॉप जो होता है उसको रोकने लगती है, यानी कि वहां का तापमान जो होता है मींस गिरने से बचने लगता है, और जिसकी वजह से जो सीडलिंग्स होते हैं जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो एक्सेसिव कोल्ड जो होती है या बहुत ज्यादा ठंड जो होती है उससे बच जाते हैं, या जो फ्रॉस्ट जो होती है उससे बच जाते हैं। तो जो पेड़ों पर जो बर्फ जमा हो जाती है कई बार उसके वजन के कारण जो पेड़ों की शाखाएं जो होती हैं वो टूट जाती हैं, और कई बार वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि पेड़ जो होते हैं वो अपरूट हो जाते हैं, मतलब जड़ से भी बाहर लग जाते हैं, जड़ समेत बाहर निकल जाते हैं। और स्नो जो होती है वो वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है यानी कि जो उसका पीरियड होता है जो वनस्पति के विकास का या वनस्पति की वृद्धि का जो समय काल होता है उसको भी तुलनात्मक तौर पे कम कर देती है स्नो यानी कि वर्षा जो बर्फ जो होती है। और अगर हम देखें तो नेक्स्ट अगर हम फैक्टर देखें तो वो तापमान आ जाता है। तापमान किस तरीके से है, तापमान की अगर हम बात करें तो जो उच्च तापमान होता है जो हाई टेम्परेचर होता है उसके कारण प्लांट्स जो होते हैं उनकी मृत्यु होने लगती है, रिजल्ट्स इनटू द डेथ्स ऑफ द प्लांट। अगर प्लांट जो होते हैं वो तापमान अगर बहुत अधिक होने लगता है तो उनका प्रोटोप्लास्मिक प्रोटीन जो होता है प्लांट्स के अंदर में प्रोटीन होता है उनका कोएगुलेशन होने लगता है, और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो उच्च तापमान जो होते हैं उनको सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनका जो प्रोटोप्लास्मिक प्रोटीन जो होता है वो कोएगुलेट नहीं हो पाता। कोएगुलेट का मतलब एक प्रकार का अवक्षेपण आप कह सकते हैं, वो अवक्षेपित नहीं हो पाता। देखिए होता क्या है कि अगर हमारे
हमारे जो बॉडी के अगर हम बॉडी की अगर हम बात करें तो उच्च तापमान, जब हम अगर हम उच्च तापमान के अंदर में जाते हैं तो हमारा जो प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है, प्रोटीन पार्ट जो होता है वो विघटित होने लगता है और विघटित होकर उसका कोएगुलेशन होने लगता है और कोएगुलेशन के कारण हमारा प्रोटीन जो होता है वो समाप्त होने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो उच्च तापमान जो होता है उसको सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं, उनकी जो संरचना होती है उसके प्रोटीन, उनकी संरचना में प्रोटीन ऐसा होता है जो काफी उच्च तापमान जो होता है उसको भी सर्वाइव कर जाता है, यानी कि उसकी जो प्रोटीन होते हैं वो कोएगुलेट नहीं हो पाते और जिसकी वजह से वो उच्च तापमान जो होता है उसको सर्वाइव कर पाता है। अगर तापमान अधिक होता है तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है, तापमान जो होता है। और कई बार जो होता है मतलब तापमान अधिक होता है तो वाष्पन की क्रियाएं जो होती हैं वो अधिक हो जाती हैं और जिससे प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उनका डेसिकेशन होने लगता है, यानी कि उनमें नमी की मात्रा जो होती है वो कम होने लगती है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूं। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बायोटिक से भी कोरिलेट होगा, ठीक है, बायोटिक से भी कोरिलेट होगा। ये बेटा कोएगुलेशन का मतलब ये होता है कि तुम इसको इस तरीके से समझो, सपोज करो कि तुम अंडा बनाते हो और जो लोग अंडा खाते हैं या जो लोग उस चीज को करते हैं तो अंडे का, जैसे तुम अंडे को ऑमलेट बनाने के लिए या उसको अगर उबालने के लिए अगर आप करते हो तो आप जानते हो कि उसके अंदर में क्या होता है कि जैसे आप उबालते हो तो जो लिक्विड वाले पार्ट जो होते हैं वो एकदम से ठोस अवस्था में चले जाते हैं। या अगर आप ऑमलेट बना रहे होते हो तो बार बार आप वाइट वाइट वाला देखते हो ना, तो ये सारा का सारा जो होता है इसी को हम कोएगुलेशन कहते हैं। तो तापमान बढ़ने से क्या होता है, कोएगुलेशन हो जाता है, कोएगुलेशन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या वायरसेस होते हैं जो उच्च तापमान पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी प्रोटीन संरचना जो होती है वो इस प्रकार की होती है कि वो उच्च तापमान पर सर्वाइव कर सकते हैं। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे जो जीव होते हैं उनका प्रोटोप्लास्मिक प्रोटीन जो होता है काफी स्ट्रांग होता है, यानी उसका विघटन नहीं हो पाता और वो अपनी मूलभूत संरचना जो होती है उसको बनाए रखता है। जनरली क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो हमारे प्रोटीन बिखर जाता है, उसकी संरचना जो होती है वो बिखर जाती है, उसी को बिखरने को हम कोएगुलेशन के नाम से जानते हैं और हम कहते हैं कि भाई जल गए या ये हो गया वो हो गया, तो वो मेनली इसी वजह से होता है। और जो जो बैक्टीरियाज या वायरसेस या जीव, उनमें स्पेशल प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जैसे अगर आप समुद्र की गहराई में आप जाते हो ना तो वहां पे एक प्रकार की वेंट मिलती है जहां से बहुत गर्म पानी जो होता है, गर्म पानी के साथ साथ कई प्रकार के लवण भी जो होते हैं समुद्र की पृथ्वी की गहराई से ऊपर की ओर आ रहे होते हैं, तो उनको हम हाइड्रोथर्मल वेंट के नाम से जानते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट के जल तापीय नलियां जो होती हैं, नलियां जो होती हैं वो पाई जाती हैं। उनमें से अगर आप देखोगे आज इंटरनेट पे वीडियो पे आप देखना हाइड्रोथर्मल वेंट जो होता है वो लिखना और आपको कई प्रकार की वेंट मिलेगी, व्हाइट स्मोकर, ब्लैक स्मोकर, और कुछ ऐसी होती हैं जिनका तापमान जो होता है वो काफी अधिक होता है। उनका तापमान जो होता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है या 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, लेकिन वहां पे भी आप देखेंगे कई प्रकार के जीव जो होते हैं वो मिल जाते हैं। तो कई प्रकार के जीव जो होते हैं वो महज इस वजह से मिल जाते हैं, वो इस वजह से मिलने की उनकी संभावनाएं होती हैं क्योंकि उनका जो प्रोटोप्लास्मिक प्रोटीन जो होता है वो कोएगुलेट नहीं हो पाता उच्च तापमान पर भी, मतलब उसका विघटन नहीं हो पाता उच्च तापमान पर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में हम लोग चलते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्वेश्चन ये मैंने सारा आपके साथ डिस्कस कर दिया, अब एक क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा और चैट में अपने आंसर्स डालिएगा। मैं चैट बॉक्स देखूंगा और चैट के अंदर में आप अपने आंसर्स को डालिएगा और मैं उसी के बेसिस पे चीजों को डिस्कस करूंगा फिर आपसे, और ये मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, मैंने चैट बॉक्स ओपन कर लिया है, आप अपने आंसर्स को डालिएगा।
जल्दी से आंसर बताइएगा। वन तो मैंने लिखा ही नहीं है, चलिए सबके हो गया है। अब एक चीज देखिए, अभी मैंने जस्ट आपसे, मुझे किसी ने पूछा डेसिकेटिंग का मतलब क्या होता है। डेसिकेटिंग का मतलब होता है बेटा किसी में से मॉइस्चर निकलना, मतलब सूखना। तो मींस किसी चीज में से जब मॉइस्चर निकलने लगता है तो उसको डेसिकेशन कहा जाता है, तो उसको डेसिकेटिंग कहा जाता है। जैसे हमारी स्किन कहते हैं योर स्किन इज गेटिंग डेसिकेटेड, मतलब कि उसके अंदर में से मॉइस्चर जा रहा है, उसमें से मॉइस्चर नहीं है उसके अंदर में, तो उसको डेसिकेटिंग कहा जाता है। If a tropical rainforest is removed, it does not regenerate quickly as compared to deciduous forest. ठीक है, deciduous को हम हिंदी में बोलते हैं पर्णपाती वन। ट्रॉपिकल deciduous forest जो होते हैं उनको हम कहा जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो होते हैं, पर्णपाती वन जो होते हैं जिनमें एक निश्चित समय होता है पत्तों के झड़ने का, तो उनको ट्रॉपिकल deciduous कहा जाता है या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, अब अगर हम देखें बच्चों, जैसे अगर हम देखें जो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो जाहिर सी बात है ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और वर्षा वनों के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काट दिया जाएगा या किसी जगह के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को अगर समाप्त कर दिया जाएगा तो वो जल्दी से रीजनरेट नहीं होंगे, मतलब दोबारा से उनका विकास नहीं होगा, जल्दी से नहीं होगा अगर हम इसकी तुलना ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट से करते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इसका जो मेन कारण क्या है? पहला, जैसे मैंने आपके साथ बोला, अगर मैंने पहला आपके साथ जो डिस्कस करा वो ये था कि द सॉइल ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स। ये ऑलरेडी मैं पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, सॉरी, जो वर्षा वनों के क्षेत्र होते हैं वहां की भूमि जो होती है, वहां पे वनों की सघनता जो होती है वो काफी अधिक होती है, तो जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश जो होता है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश जो होता है वो वनों द्वारा ढक लिया जाता है और वनों के अंदर में नीचे की तरफ जो होता है वो काफी अंधेरा होता है, तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जो 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 मृदा होती है उसके अंदर में जो पत्तियां, जो पेड़ों की पत्तियां टूट के गिरती हैं उनका विघटन भी नहीं हो पाता, विघटन भी ढंग से नहीं हो पाता, यानी कि पत्तियां जो होती हैं वो ह्यूमस के अंदर में कन्वर्ट नहीं हो पाती या उनका विघटन भी ढंग से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो होती है या ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो भी रिलेटिवली कम हो जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि न्यूट्रिएंट कम होने के पीछे कारण एक ये भी होता है क्योंकि वर्षा काफी अधिक होती है तो हमेशा पानी का बहाव जो होता है वहां पे चलता रहता है, पानी बहता रहता है, तो पानी के बहने की वजह से जो मृदा के ऊपरी पोषक तत्व होते हैं उनको पानी जो होता है वो अपने साथ बहा के ले जाता है और इसलिए वहां की मृदा जो होती है वो पोषक तत्वों से कम वीक रहती है या उनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है वो कम रहती है,
इस प्रोसेस को कहते हैं बच्चों लीचिंग, LEACHING, इस प्रोसेस को कहा जाता है लीचिंग। लीचिंग लीचिंग जो होता है वो होता है, कई बार ऐसा होता है बच्चों पानी बहा के भी ले जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि अगर हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि जो ऊपर के पोषक तत्व जो होते हैं, जब वर्षा जो होती है वो काफी अधिक होती है, तो ऊपर के जो पोषक तत्व होते हैं वो घुल के नीचे की परत तक पहुंच जाते हैं, नीचे की परत तक पहुंच जाते हैं। अब कोई बीज जो होता है उसकी जड़ें जो होती हैं उसको जमने के लिए इन ऊपरी भाग के अंदर में पोषक तत्व होने चाहिए, लेकिन पोषक तत्व सारे बह के कहां पहुंच गए, नीचे की तरफ पहुंच गए, तो जिसकी वजह से उसको वो पोषक तत्व जो होते हैं वो नहीं प्राप्त हो पाते, और वो बीज जो होता है या कई बार पेड़ों के प्रोपेग्यूल जो होते हैं, पेड़ प्रोपेग्यूल्स वो होते हैं पेड़ों के ऐसे भाग, स्पोर्स हो गए और चीज हो गए, जिनसे दोबारा से नए वृक्ष जो हो सकते हैं वो विकसित हो सकते हैं, उनको प्रोपेग्यूल्स कहा जाता है। तो प्रोपेग्यूल्स जो होते हैं वो उनकी जड़ें जो होती हैं वो इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाती और इसलिए वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन इन वर्षा वनों के अंदर में एक खासियत भी है, एक बार जब जर्मिनेशन हो जाता है, एक बार जब जर्मिनेशन हो जाते हैं, जर्मिनेशन होने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार जब जर्मिनेशन प्रॉपरली हो जाता है तो फिर ये पेड़, क्योंकि इनकी जड़ें जो होती हैं वो गहराई तक पहुंच जाती हैं, जैसी इनकी जड़ें जो होती हैं गहराई तक पहुंच जाती हैं तो उनको पूरी तरीके से पोषक तत्व मिलने लगते हैं, और फिर ये पेड़ जो होते हैं वो बहुत तेजी से प्रतिस्पर्धा के कारण, क्योंकि प्रतिस्पर्धा यहाँ पे किस चीज की है, सनलाइट की, सनलाइट की प्रतिस्पर्धा है, तो प्रतिस्पर्धा के कारण क्या होता है वो तेजी से ऊपर की ओर विकसित होने लगते हैं, तेजी से ऊपर की ओर जो होते हैं वो विकसित होने लगते हैं। तो उनका वो मैंने क्या कहा आपसे, डू नॉट रीजनरेट क्विकली, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे रीजनरेशन नहीं होता, यानी कि पुनर्विकास नहीं होता, पुनर्विकास होता है लेकिन जल्दी से नहीं होता, पुनर्विकास होता है। इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं उनको, उनके बारे में कई बार जैसे कुछ कंट्रीज जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के हैं वहां पे आग लग गई या वहां पे कुछ और समस्या आ गई तो पूरा विश्व जो होता है वो परेशानी में आ जाता है, क्योंकि इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वहां पे जो है वो उनको संसार के जो फेफड़े होते हैं या लंग्स जो होते हैं उनको लंग्स ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो वायुमंडल के अंदर में रिलीज करते हैं। आप जानते ही हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है और ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है, हमारे वायुमंडल के अंदर में भी जो ऑक्सीजन की मात्रा का विकास होता है वो भी इसी वजह से होता है, ठीक है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल इसी वजह से होता है, हमारे और भी कारक होते हैं उसकी वजह से भी होता है। तो पहला आंसर जो होगा हमारा, पहला पॉइंट जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, प्रोपेग्यूल्स ऑफ द ट्री हैव पुअर वायबिलिटी, पुअर वायबिलिटी आप नहीं कह सकते इस चीज को, मेन जो कारक है वो इस वजह से हो जाता है। अच्छा, रेन फॉरेस्ट स्पीशीज आर स्लो ग्रोइंग रेन फॉरेस्ट स्पीशीज, ये भी एक प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते उनकी स्पीशीज होती हैं स्लो ग्रोइंग होती हैं, और एग्जॉटिक स्पीशीज इन्वेड द फर्टाइल सॉयल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, ये भी एक प्रॉपर रीजन नहीं है, ये भी एक रीजन नहीं है और ये भी एक रीजन नहीं है। जनरली अगर आप देखें तो इज डेफिशिएंट इन न्यूट्रिएंट्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट उसके ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी तक हमने जितने भी डिस्कस करे थे बच्चों वो सारे के सारे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट जो थे उनके बारे में डिस्कस करा था, अब हम डिस्कस करेंगे बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक जो होते हैं उनके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। अब जैविक घटक जो होते हैं उनके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो पहला जैविक घटक जो होते हैं उनको हम कई भागों के अंदर में डिवाइड कर देते हैं, जैविक घटक जो होते हैं उनको कई पार्ट्स के अंदर में हम लोग ले लेते हैं। एक पार्ट कहलाता है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट जैविक। किसी ने कोई डाउट पूछा है बेटा? क्वेश्चन निकल गया मोहम्मद आलम, तो आपका आंसर थोड़ा सा लेट आया मेरे पास, तो क्वेश्चन निकल चुका है। अब हम जो देख रहे हैं वो है हमारा बायोटिक कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, और उन कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के अंदर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और बायोटिक कंपोनेंट्स जो है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। नाउ प्राइमरी बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अगर हम देखें
तो उसमें कई प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के तौर पे, यानी कि प्राथमिक उत्पादक अगर हम देखें, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जिनको हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। अब आप अपने आप को ऑटोट्रॉप मत मान लीजिएगा कि भाई हम भी तो घर में खाना पकाते हैं। आप पकाते हैं खाना को, लेकिन आप गेहूं बनाते नहीं है। गेहूं आपको पेड़ों द्वारा बना बनाया मिलता है, आप केवल उसको पकाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं और कुछ एल्गे होते हैं, और जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपने अपने खाने का निर्माण करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के अंदर में बच्चों कुछ माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं जो प्लैंकटन कहलाते हैं। प्लैंकटन्स जो होते हैं, ये प्लैंकटन्स जो होते हैं, प्लावक जिनको कहा जाता है, ये किसी भी महासागर का या किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम का आधार होते हैं। अगर ये प्लैंकटन समाप्त होने लगते हैं किसी भी महासागर के अंदर में, क्योंकि ये किसी भी आहार श्रृंखला का, यानी कि किसी भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला का आधार होते हैं, अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो अन्य जीव जो होते हैं जो इन पर आश्रित होते हैं वो भी समाप्त होने लगेंगे। प्लैंकटन का मतलब होता है वॉन्डरर, मतलब जो घुमक्कड़ होते हैं, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलते रहते हैं, गति करते रहते हैं, लेकिन ज्यादातर वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाते। महासागरीय धाराएं जो होती हैं उनके माध्यम से वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है जब दो प्रकार की महासागरीय धाराएं आपस में आके मिल रही होती हैं, तो वहां पे प्लैंकटन का उत्पादन जो होता है वो काफी अधिक हो जाता है, या प्लैंकटन की मात्रा जो होती है वो काफी अधिक हो जाती है, और दो प्रकार की धाराएं बनने की वजह से, ठंडी और गर्म जलधाराएं जो होती हैं मिलने की वजह से, वहां पर एक ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है या तापमान क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लैंकटन का उत्पादन जो होता है वो काफी अधिक होने लगता है, और वो क्षेत्र सारे के सारे आपके मछली उत्पादन के, यानी कि फिशिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। आप जानते होंगे अमेरिका के अटलांटिक साइट पे भी फिशिंग ग्राउंड्स हैं, और अगर आप देखेंगे जापान के भी साइट पे भी वहाँ पे काफी अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स हैं, क्योंकि आप देखेंगे वहाँ पे ओयोशियो करंट आती है और करंट आती है, ठंडी और गर्म जलधाराएं जो होती हैं वो आपस में आके मिलती हैं, तो वो एक अच्छे ग्राउंड्स बन जाते हैं। तो जो अगर हम महासागरीय इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, या एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम की बात करें, तो माइक्रोस्कोपिक एल्गे जो होते हैं वो प्लैंकटन जिनको हम कहते हैं, वो दो प्रकार के प्लैंकटन होते हैं बच्चों, एक जू प्लैंकटन होते हैं अगर, एक फाइटोप्लैंकटन होते हैं। फाइटोप्लैंकटन होते हैं, जू प्लैंकटन पशु प्रजाति एनिमल सेल्स वाले होते हैं, और फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं वो प्लांट सेल वाले होते हैं, ठीक है। सामान्यतः प्लांट्स ही इनके लिए होते हैं, क्योंकि जो जू प्लैंकटन होते हैं वो इन फाइटोप्लैंकटन जो होते हैं उनका भोजन करते हैं या उनका भक्षण करते हैं। तो अगर ये प्लैंकटन समाप्त हो जाएंगे तो अन्य जो उन पे आश्रित होने वाले जीव होंगे वो समाप्त हो जाएंगे, और आप जानते हैं पूरे की पूरी आहार के अंदर में जो अगर हम फूड चेन, यानी कि हम खाद्यान्न श्रृंखला की अगर हम बात करें, अपने फूड चेन की हम बात करें, तो उसके अंदर में सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खाने का उत्पादन करते हैं, उनको कंज्यूम करने वाले एक होते हैं, फिर उनको कंज्यूम करने वाले होते हैं, फिर उनको कंज्यूम करने वाले होते हैं, एक क्रम होते हैं। अगर कोई भी इस क्रम के अंदर में समाप्त हो जाएगा, मान लो ये समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए ये समाप्त हो जाएगा, पेड़ अगर समाप्त हो जाएंगे तो हिरण समाप्त हो जाएंगे। हिरण को तो पेड़ ही चाहिए ना, पेड़ पौधों से ही वो अपने भोजन को लेता है, और अगर पेड़ पौधे समाप्त हो, अगर हिरण समाप्त हो जाएंगे तो उस पर आश्रित होने वाले अन्य जो जीव होंगे वो समाप्त होने लगेंगे। तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम के अंदर में एक प्रकार का इम्बैलेंस आ जाएगा, और या वो आप कह सकते हैं पूरा का पूरा इकोसिस्टम संकटग्रस्त हो जाएगा और वो समाप्ति के कगार पे पहुंच जाएगा। क्योंकि इकोसिस्टम तभी है जब वहां पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों उपस्थित हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि सारे प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट्स हों, एबायोटिक कंपोनेंट्स हों, लेकिन जो इम्पोर्टेंट उसकी आवश्यकता के लिए होते हैं उनका होना वहां पे आवश्यक होता है। दूसरा अगर हम देखें तो एक तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, या जिसको हम प्राथमिक उत्पादक के नाम से जानते हैं, एक तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, और एक होते हैं कंज्यूमर्स या हिटरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि जो उपभोक्ता के तौर पर होते हैं। ये इनको हिटरोट्रॉप्स भी कहा जाता है, या फेगोट्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, यानी मींस इनको अदर नरिशिंग कहा जाता है। अदर नरिशिंग का मतलब पोषण, यानी कि वो दूसरों से अपना पोषण लेते हैं,
तो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपना खाना नहीं बना सकते, वो प्लांट्स या अन्य जो पशु होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और अगर हम देखें कि उनको हम दो कैटेगरी के अंदर में डाल सकते हैं, एक तो माइक्रो और एक मैक्रो, माइक्रो कंज्यूमर्स और मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, इनको हम दो कैटेगरीज जो हो सकती हैं उसके अंदर में हम इसको डाल सकते हैं। तो माइक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं अगर हम उसको देखें, तो मैं एक डिलीट मार देता हूं जितनी भी ड्राइंग मैंने करी है। माइक्रो कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो मैक्रो कंज्यूमर्स की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो मतलब, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़ा वृहद जिसको हम कहते हैं मैक्रो, बड़े रूप में जब हम किसी चीज को देख रहे हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस कौन होते हैं? जो प्लांट्स खाते हैं, यानी कि जो वनस्पतियों का भोजन करते हैं, यानी कि जो पशु, जो पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं या उनका भोजन जो होता है वो पेड़ पौधे होते हैं। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोरस जो होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ओके, जिसमें भेड़े हो गई, रैबिट हो गए, ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो इन प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं उनका भोजन करते हैं, यानी कि उनको उनको खाते हैं या उनका भोजन करते हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जाने जाते हैं। जैसे अगर हम देखें वुल्फ हो गया, वुल्फ आप लोग जानते हैं भेड़िए को कहा जाता है। कुत्ता हो गया, जो हो गया, कुत्ता कभी भी घास नहीं खाएगा। हाँ, कई बार होता है गांव देहात में कहते हैं कि कुत्ता जो होता है अगर घास खा रहा होता है तो उसका मतलब उसके पेट में दर्द होता है, ठीक है। तो और या हम देखें स्नेक्स जो होते हैं वो घास नहीं खाते, तो जो स्नेक्स होते हैं वो भी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उनका उनका ही भोजन करते हैं। कार्निवोरस जितने भी होते हैं वो कार्निवोरस जो होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर जो फीड होने वाले कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो मांस भक्षण करते हैं, उनको टर्शियरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर में सामान्यता जो होते हैं हमारे कार्निवोरस आते हैं, और कुछ हमारे ऐसे कंज्यूमर्स भी होते हैं, कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको सबको कंज्यूम करते हैं, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर आश्रित रहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उन पर आश्रित रहते हैं, उनको टर्शियरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, ठीक है। और जैसे लॉयन जो हो सकता है वो वुल्फ जो होता है, भेड़िया जो होता है उसको भी खा सकता है, और जो स्नेक जो होता है वो जो हमारा प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है, जैसे अगर हम देखें तो स्नेक्स जो होते हैं वो कई बार ऐसा होता है छोटे छोटे फ्रॉग जो होते हैं या मेढक जो होते हैं उनको खा लेते हैं। मेढक भी एक प्रकार के सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो कीड़ों को, पतंगों को खाते हैं और उसको स्नेक खा लेता है, तो वो टर्शियरी कंज्यूमर की कैटेगरी के अंदर में आते हैं। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर में आप ध्यान रखिएगा कि आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है। आप छोटा सा आप अपने पार्क के अंदर में जाकर भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्राथमिक, कौन से उत्पादक हैं, कौन प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं यहाँ पर, और कौन सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं और कौन टर्शियरी कंज्यूमर्स हैं। ओके, कुछ ऐसे होते हैं ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स जो हो सकते हैं उनको भी खा सकते हैं, यानी कि वो प्लांट्स जो नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं, सॉरी जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स का मतलब जो वनस्पतियां होती हैं उनका भी भोजन कर सकते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनका भी भोजन कर सकते हैं। और उनमें सबसे बड़ा आता है ओमनीवोरस के अंदर में सबसे बड़ा आता है मानव, मानव जो होता है वो कर सकता है। फिर अगर आप भालू को भालू के बारे में जानते हो तो वो भी होता है, पिग जो होता है वो भी कर सकता है, तो वो भी एक प्रकार का ओमनीवोरस होता है। मैक्रो कंज्यूमर्स जो होते हैं वो मैक्रो कंज्यूमर्स के अंदर में हमने देखा कि हमारी कैटेगरीज जो हैं वो अलग अलग हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो केवल प्लांट्स खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर पर आश्रित होते हैं, और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उन पर आश्रित होते हैं, और ओमनीवोरस होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का भक्षण कर सकते हैं। माइक्रो कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें तो सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स मतलब सेप्रोट्रॉप्स वो होते हैं जो विघटन का कार्य करते हैं, या ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं जिनका काम केवल विघटन का होता है। इसके अंदर में बैक्टीरियाज आते हैं और फंजाई आते हैं। ये बैक्टीरियाज और फंजाई जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे पत्तियां पेड़ों से टूट के गिर जाती हैं, ठीक है, या कोई मृत शरीर है, ठीक है, वो सारा क्या है, एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है।
तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को पे सर्वाइव करते हैं। तो अगर आप जानते हैं कि कोई भी पत्ती या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर मृत जैविक पदार्थ होता है, वो अगर मृत जैविक पदार्थ जो होता है उसका डीकम्पोजिशन या विघटन प्रारंभ हो जाता है, और वो डीकम्पोजिशन और विघटन होने के लिए एक बैक्टीरिया और फंजाई की आवश्यकता होती है, वो भी अपने आप में एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो वो सारे के सारे जो होते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, जिनका काम डीकम्पोजर्स का होता है, उनको डेट्रिटस भी कहा जाता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको डेट्रिटस भी कहा जाता है, और उनके ऊपर सर्वाइव करने वाले जो होते हैं वो इस प्रकार के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो माइक्रो कंज्यूमर होते हैं। जैसे अगर हम देखें केंचुआ अर्थवॉर्म जो होता है, या कुछ ऐसे सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे नेमाटोड्स हो गए या आर्थ्रोपॉड्स हो गए, ठीक है, वो डेट्रिटस यानी कि सली गली पत्तियां जो होती हैं उनके ऊपर फीड करते हैं, और ऑर्गेनिक मैटर जो होता है या जैविक पदार्थ जो होता है उसका डीकम्पोजिशन करते हैं। इसलिए इनको डेट्रीवोर्ट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये डेट्रिटस जो होता है उस पर सर्वाइव करते हैं, इसलिए इनको डेट्रीवोर्ट्स जो होता है वो भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो ये मेरी ख्याल से आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करा, कि ये इतना माइक्रो कंज्यूमर्स और मैक्रो कंज्यूमर्स के बारे में, और हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करा, कंज्यूमर्स के बारे में डिस्कस करा। बस इसको ध्यान रखने की चीज इतनी ही है आपके लिए कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उसमें सबसे नीचे के लेवल पे जो बायोटिक पार्ट होता है उसमें सबसे नीचे के स्तर पर अगर हम देखें तो सबसे नीचे के स्तर पर हमें प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, सबसे नीचे पे हमें प्रोड्यूसर्स मिलते हैं। प्रोड्यूसर्स मतलब जो उत्पादन करते हैं और जो खाने का भोजन का उत्पादन करते हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, और इनको ऑटोट्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके ऊपर प्राइमरी उसके ऊपर कंज्यूमर्स हो सकते हैं। कंज्यूमर्स के अंदर में कई कैटेगरीज हो सकती हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, और उसके अंदर में भी कई प्रकार की वैरायटी हो सकती है। हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं और ओमनीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस वो होते हैं जो केवल पेड़ पौधों का भोजन करते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो हर्बीवोरस जो होते हैं उनका भोजन करते हैं, और ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों प्रकार के यानी कि हर्बी जो पेड़ पौधों का भी भोजन कर सकते हैं और साथ साथ में अन्य जो जीव होते हैं चाहे वो हर्बीवोरस हो या कार्निवोरस हो उनका भी भोजन कर लेते हैं। ओके, अब बायोटिक कंपोनेंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं इस क्लास के अंदर में, और हमने साथ साथ में एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब इसके अंदर में कल की क्लास में भी मैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुका हूं इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में। और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अगर हम देखें तो कल की क्लास जो थी उसमें भी हमने डिस्कस करा था। सबसे नीचे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे का जो स्तर होता है हमारा जो सबसे नीचे का जो हमारा स्तर होता है अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें या क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे नीचे का जो स्तर होता है वो इंडिविजुअल के लेवल का होता है। मींस कोई भी जीव जो होता है उसको इंडिविजुअल कहा जाता है। मींस उस वो एक ऐसा जीव होता है जिसके विच हैज एन एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली, मतलब जिसके अंदर में स्वतंत्र क्रियाएं करने की क्षमताएं होती हैं। मींस इसी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं अगर उनको हम ग्रुप के अंदर में ले लेते हैं, ऑफ मींस स्पीशीज आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग। अगर हम एक ऐसे जीवों का समूह ले लेते हैं जो आपस में जीन्स एक्सचेंज कर सकते हैं और उनमें इंटरब्रीडिंग जो होती है वो संभव हो सकती है। इंटरब्रीडिंग का मतलब ये होता है कि हमेशा ध्यान रखना जो इंटरब्रीडिंग होगी वो केवल सेम स्पीशीज के अंदर ही होगी, क्योंकि वो ही जीन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर दो स्पीशीज दो अलग अलग हो जाएंगी तो उनमें कभी भी इंटरब्रीडिंग नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम दो स्पीशीज की अगर हम बात करें तो कैट एक स्पीशी है और डॉग एक स्पीशी है, इन दोनों में कभी भी
इंटरब्रीडिंग होने की संभावनाएं नहीं होंगी, ना ही ये जीन्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज जो होती हैं वो स्पीशीज, जैसे मानव अपने आप में एक स्पीशीज है, मानव में वेरिएशन हो सकते हैं, स्पीशीज के अंदर में वेरिएशन हो सकते हैं। वेरिएशन किस तरीके से हो सकते हैं कि अगर आप देखेंगे मानव की स्पीशीज के अंदर में कई प्रकार के वेरिएशन देखे जाते हैं। वेरिएशन किस तरीके से देखे जाते हैं कि कई 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 के रंग अलग होता है, कई के कलर अलग होता है, कई के बालों का कलर अलग होता है, ब्लड ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, तो वेरिएशन देखे जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर में जो जो इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल को अगर हम एक सेम इंडिविजुअल्स को अगर हम एक समूह में लेते हैं और जो ऐसा समूह उस समूह के अंदर में ऐसे इंडिविजुअल्स की बात करते हैं जो अपने जीन्स को एक्सचेंज कर सकता है और जिनमें इंटरब्रीडिंग जो होती है संभव होती है, वो सारे की सारी स्पीशीज कहलाती है। ठीक है, और जो इंडिविजुअल होते हैं या स्पीशीज जो होती हैं उनको हम बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, जिसे मानव के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो होमोसेपियंस, होमोसेपियंस जो है मानव है और वो एक बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी होता है। दूसरा अगर हम देखें तो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन पॉपुलेशन जो होती है वो किसी भी इंटरब्रीडिंग सेम स्पीशीज के लोगों का, अगर सेम स्पीशीज के लोगों का अगर हम एक समूह बना लेते हैं, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स। तो पॉपुलेशन क्या है, जो सेम स्पीशीज के लोगों का अगर हम एक समूह बना लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, पॉपुलेशन बन जाती है। तो किसी भी जगह जो होती है वो अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन हो सकती है। मान लीजिए किसी एक नेशनल पार्क के अंदर में आप जा रहे होते हैं, ठीक है, और नेशनल पार्क के अंदर में क्या होता है कि आपको अलग अलग जो स्पीशीज होते हैं उनके पदचिन्ह जो होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। पदचिन्ह मतलब पग मार्क्स जो होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, और जैसे और उस उनके पग मार्क्स के आधार पर या उनके पदचिन्हों के आधार पर आप बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। एक तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि स्पीशीज कितने तरीके की हैं, कितनी कितनी वैरायटीज की स्पीशीज जो है उस पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर में, कितने प्रकार की स्पीशीज जो है उस क्षेत्र के अंदर में है, और हमें उससे कई बार ये भी आइडिया लग जाता है कि उस जगह पर जो है वो पॉपुलेशंस जो होती हैं, पॉपुलेशन का हालांकि पगमार्क से आइडिया नहीं लग पाता कि कितनी जनसंख्या में उपस्थित है, लेकिन पॉपुलेशन का जो मतलब होता है वो सिंपल इतना ही होता है कि किसी भी इंटरब्रीडिंग, मतलब अगर हम सेम स्पीशीज के लोग, सेम स्पीशीज के जीव अगर हम ले लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं, तो उनकी मात्रा जो होती है किसी भी जगह पर वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे मानव की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो मानव की स्पीशीज सेम है, स्पीशीज क्या है मानव की, सेम है, जिनको हम होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं, और किसी भी स्थान पर हम उनकी जनसंख्या, उनकी गणना करके, उनकी संख्या की गणना करके हम वो पॉपुलेशन का आकलन कर सकते हैं। तो किसी भी एक निश्चित एरिया के अंदर में कितनी जनसंख्या उपस्थित है समान प्रजाति के जीवों की, कितनी जनसंख्या उपस्थित है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन आप जानते ही हैं, ये कई बार हम टर्म यूज करते हैं, बर्थ रेट के हिसाब से भी पॉपुलेशन में परिवर्तन आ सकते हैं, मीन्स वो पॉजिटिव भी हो सकता है बर्थ के कारण, और कई बार ऐसा होता है पॉपुलेशन में पॉपुलेशन जो हो सकता है वो नेगेटिव भी हो सकती है, उसकी ग्रोथ जो हो सकती है डेथ के कारण, या कुछ लोगों कुछ जीवों के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के कारण वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉपुलेशन जो होती है वो नेगेटिव भी हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन पिछली क्लास के अंदर में डिस्कस करा था वो था कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी का मतलब था समुदाय। अब किसी भी स्थान पर अगर हम देखें तो वहां पे कई स्पीशीज मिलेंगी, मतलब एक नेशनल पार्क है, वहां पे लॉयन भी है, वहां पे हिरन भी है, डियर भी है, वहां पे बियर भी है, क्या वहां पे वुल्फ भी है, वुल्फ की भी पॉपुलेशन है, बियर की भी पॉपुलेशन है, वहां पे लॉयन की भी पॉपुलेशन है, वहां पे डियर की भी पॉपुलेशन है। इन सबको किसी भी स्थान पर अगर इन सबको हम मिला देते हैं तो बन जाता है कम्युनिटी। क्या बन जाता है? कम्युनिटी। अब एक कम्युनिटी के अंदर में, कुछ पर्टिकुलर प्रजातियां जो हो सकती हैं वो डोमिनेंट हो सकती हैं। डोमिनेंट मतलब उनकी वो उनकी मात्रा या उनकी 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 प्रतिशतता जो हो सकती है वो अधिक हो सकती है,
और तो उसको हम जनरली उस कम्युनिटी को हम उस स्पीशीज के नाम पे रख देते हैं, जैसे ग्रासलैंड कम्युनिटी। तो ग्रासलैंड कम्युनिटी जो होती है, उस ग्रासलैंड कम्युनिटी जो होगी उसको हम ग्रासलैंड कम्युनिटी महज इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि उसमें परसेंटेज या डोमिनेंट जो कम्युनिटी होती है वो ग्रासेस की फॉर्म में होती है। मेजर कम्युनिटीज और माइनर कम्युनिटीज जो होती हैं, मेजर कम्युनिटीज जो होती हैं वो मेजर कम्युनिटीज का मतलब होता है जो बड़े आकार की होती हैं, यानी कि लार्ज साइज होती हैं, और जो आम तौर पर इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। टॉपल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी के अंदर में, ये प्रायः इनको वर्षा वन भी कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। और यहाँ पे फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुआयात में होते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब उनका आकार भी बड़ा होता है और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसलिए मेजर कम्युनिटी के तौर पर होते हैं। आप ये कह सकते हैं जिनका आकार बड़ा होता है वो मेजर कम्युनिटी में होते हैं, जिनकी मात्रा अधिक होती है वो मेजर कम्युनिटी के तौर पर होते हैं, और माइनर कम्युनिटीज जो होती हैं जो दूसरों पर आश्रित होती हैं या आसपास की सोसाइटीज पर आश्रित होती हैं, नेबरिंग कम्युनिटीज पर आश्रित होती हैं। तो मींस जैसे अगर हम देखें इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि मींस अगर हम देखें तो मींस अगर आप देखेंगे तो जो किसी जगह अगर गाय का गोबर पड़ा हुआ है ठीक है, तो उसपे लिचेंस जो होते हैं वो उनका विकास हो जाता है, लिचेंस की जो कॉलोनीज होती हैं उनका विकास हो जाता है, तो वो माइनर कम्युनिटी की कैटेगरीज में आते हैं क्योंकि वो नेबरिंग कम्युनिटीज जो होती हैं या उसके ऊपर आश्रित रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वृहत रूप में होते हैं वो मेजर कम्युनिटी और जो दूसरों पर आश्रित होते हैं वो सारी की सारी माइनर कम्युनिटीज जो होती हैं उस कैटेगरी के अंदर में आते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंदर में अन्य कई प्रकार के आपको पॉपुलेशन मिलती हैं, कई प्रकार के जीव भी मिलते हैं, लेकिन जनरली हम इसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बायोम के तौर पे जानते हैं, ना कि अन्य के तौर पे, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन कम्युनिटी जो होती है या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो एक मेजर कम्युनिटी के तौर पर है और बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी की सारी आश्रित हैं और वो एक माइनर कम्युनिटी के तौर पर होती है। ओके, तो मैं चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, जिसको जो डाउट्स हैं वो पूछ सकता है। बेटा डोमिनेटेड शिबा खनम खनम, आपने कहा डोमिनेटेड बाय ग्रासेस मींस सर डोमिनेटेड, मैं भेज दूंगा पीडीएफ फाइल। डोमिनेटेड बाय ग्रासेस का मतलब ये होता है कि जनरली जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है शिबा, उसके अंदर में ग्रासेस जो होती हैं वो डोमिनेंट कम्युनिटी होती है, वहां पे ट्रीज जो होते हैं वो फल फूल नहीं पाते। कारण क्या होता है कि जनरली जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो कम वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं या जहाँ पे वर्षा की मात्रा जो होती है वो कम होती है, और जब सूखे का टाइम होता है तो ये ग्रासेस जो होती हैं इनका बड़ा बढ़िया अपनी डोमिनेटिंग मैकेनिज्म होता है, अपने अपने आप को डोमिनेट करने का एक मैकेनिज्म होता है कि ग्रासेस सूख जाती हैं और उनमें आग लग जाती है, तो पेड़ों के जो बीज होते हैं या वृक्षों के जो बीज होते हैं वो भी साथ में जल जाते हैं या जो वृक्ष होते हैं वो भी जल जाते हैं। अब होता क्या है कि वृक्षों को विकसित होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, लेकिन ग्रासेस जो होती हैं वो हल्की फुल्की नमी के अंदर में भी विकसित हो जाती हैं, इसलिए उस स्थान पर ग्रासेस जो होती हैं वो दोबारा से पूर्णता विकसित हो जाती है। इसलिए जहां पे ग्रासेस विकसित हो जाती हैं या जो ग्रासलैंड या घास के मैदान होते हैं वहां पे घासें जो होती हैं वो डोमिनेंट होती हैं और ट्रीज जो होते हैं वो तुलनात्मक तौर पे कम होते हैं, क्योंकि उनका अपना एक डोमिनेट करने का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, अगर आप देखोगे हाँ बेटा, ग्रासेस जो होती हैं, ममता चौधरी, ग्रासेस बेटा टेम्परेट ग्रासलैंड भी होते हैं और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी होते हैं। ओके, तो जो समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं वो उनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड्स कहते हैं, और जो हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर में होते हैं उनको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहते हैं, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स जो होते हैं उनकी हाइट तुलनात्मक तौर पर अधिक होती है लेकिन उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू जो होती है यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है,
और जो टेम्परेट रीजन के या सम शीतोष्ण क्षेत्रों के ग्रासलैंड से होते हैं उनकी उनकी हाइट जो होती है, हाँ सेकेंडरी एग्रीगेशन में आगे समझाऊंगा आपको और इस चीज को, तो जो उस उनकी जो विशेषता होती है जो सम शीतोष्ण क्षेत्र के होते हैं उनकी जो विशेषता ये होती है कि वो वहाँ पे ग्रासेस जो होती हैं उनकी हाइट कम होती है और लेकिन उनमें न्यूट्रिशन की वैल्यू अधिक होती है। जैसे अगर आप उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज के घास के मैदान की अगर आप बात करें, आप कह सकते हो, लेकिन अगर आप देखो कि इकोसिस्टम के अंदर में डोमिनेटिंग अगर आप देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि बायोम के अंदर में जो होते हैं वो डिपेंड करता है, हम डोमिनेटिंग मैंने आपको बताया मेजर जो मेजर कम्युनिटीज के तौर पे या माइनर कम्युनिटीज का डिवीजन हम एक्चुअली इसी आधार पे करते हैं कि डोमिनेटिंग कम्युनिटीज किस तरीके की हैं, ठीक है। तो जो डोमिनेटिंग कम्युनिटीज होती हैं उसी के आधार पर हम चीजों का नाम बनते हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं जो वहां पे घास जो होते हैं वो रिलेटिवली कम हाइट की होती है लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो तुलनात्मक तौर पे अधिक, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ भेज दी जाएगी, आज की क्लास मैं यहीं पे रोक रहा हूँ और इसकी पीडीएफ जो होगी वो आपको अश्विनी जी जो हैं वो उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लास पे टाइम पे आइएगा और मुझे लगता है कुछ लोगों के कनेक्शन इश्यूज हैं जिसकी वजह से उन लोगों को एंट्री करने में दिक्कत होती है, तो आप क्लास टाइम पे आइएगा। थैंक यू।